तो सर यूनिट फोर बहुत ही क्यूट यूनिट है। हम क्यों बोलते हैं क्यूट, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात है। और जैसे ही मैंने ये यूनिट शुरू किया, कुछ लोगों ने सीधा बोल दिया, मतलब एकदम मेरे मुंह पे दिख रहा है सामने बैठे यूनिट है। मतलब मेरे नाक के नीचे बैठी हुई है। और तुम क्या लग रहा हो, तुम बिल्ली हो क्या, तुम नीचे बैठ के देख रही होगी तो तुम तो हमको दिखाई नहीं दे रहा। सीधे मैंने बोला यूनिट फोर देख रहा नीचे देख रही। बकवास यूनिट को अच्छा बनाएंगे। सेक्शन इसका देखो सर, सबसे बढ़िया बात क्या बता, आपको यूनिट फोर पसंद क्यों नहीं आता, क्योंकि आप समझते नहीं यूनिट फोर क्या कह रहा है। यूनिट फोर तीन चीजों की कहानी है, ठीक है। पहला पहला जो पार्ट है वो है 37, 38, 39 खत्म। वो एक पार्ट है जो बताता है कॉन्ट्रैक्ट किसको परफॉर्म करना है किसको नहीं करना। इसमें आता है शीला डांस पार्ट, सॉरी शीतल विद्या मंदिर, ठीक है। इसमें शीतल विद्या मंदिर आता है, ठीक है। कभी कभी मेरे मुझसे शीला डांस पार्ट निकल जाता, ठीक है। तो ये तीन एक साथ आते हैं, उसके बाद आता है 40, 41, 42, 43, 45, 43, 44, 45 ज्वाइंट प्रोविजन, वो एक एडिशन खत्म होता है। फिर आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स 59, 60, 61 वो, और उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट बी परफॉर्म और लास्ट में डिस्चार्ज। इतना सा तो है। अब यहाँ पर रह क्या, इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पर नया नया एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, पहले कभी नहीं पूछते थे। कभी पूछा नहीं गया। और अभी से आप देख लो पिछले लास्ट दोनों एमसीक्यू में ये क्वेश्चन है, तो इसको ना तीन सेगमेंट में बांट के करेंगे और बहुत ही कंक्लूसिवली कवर करेंगे। सेगमेंट नंबर वन सिर्फ तीन सेक्शन का सेगमेंट है, 37, 38, 39 तीन पार्टी बना लेते हैं। 37 ये है, 38 ये है, 39 मार्क्स, ठीक है। 37 बेटी को बस इतना बोल रहा है, दोनों को बोल रहा है, प्रोफेसर को भी प्रोफेसर को भी, कि दोनों को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस दो तरीके की होती है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जहां पर हमने परफॉर्म करने की कोशिश की और हो भी गया, ठीक है। आप कोशिश किए एग्जाम देने की, एग्जाम दिए, पास भी हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अटेम्प्ट के बारे में मैं क्या कहूंगा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तो अटेम्प्ट के बारे में मैं क्या कहूंगा, आपने कोशिश की। लक, अरे लक कहां से आया बात बीच में, लक नहीं, मेहनत कम पड़ गई। लक वक्त कुछ नहीं होता है बेटा, सब मेहनत होता है, लक कुछ नहीं होता। मैं तब ये एकदम फैक्ट बात बोलता हूँ, सिर्फ मेहनत होती है, ठीक है। और तुम्हारे दूसरे के बीच में सिर्फ मेहनत का फर्क होता है। लक के, अगर लक के भरोसा होता ना और लक काम कर रहा होता तो रास्ता में कोई कभी भीख नहीं मांग रहा होता। क्योंकि किसी भी किसी की भी किस्मत में ना भगवान ऊपर से ये लिख के नहीं भेजता कि तुम भीख मांगो। कॉन्सेप्ट समझना बात को, लक ना कभी भी ऐसा नहीं होता, होता आदमी की मेहनत है। वरना लक तो सबका होना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। जो रास्ता में भीख मांगता है उसने क्या गलती की है, गरीब के घर में पैदा हुआ बस इतनी गलती है। लक कुछ नहीं होता, सब मेहनत है। आपके पास अगर मेहनत सही होगी ना तो काम होगा, और सिर्फ लक के भरोसे बैठे रहोगे ना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो लकी नहीं, मेहनत करना। तो 37 क्या होता है, दोनों को समझाना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पर लिख दिया, बोथ द पार्टी शैल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और इफ एनी वन ऑफ द पार्टी रिफ्रेंस, रिफ्रेंस मतलब avoids the performance, other is discharged. अगर ये परफॉर्म करने से मना कर दे या मैं परफॉर्म करने से मना कर दूं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। ये है 37। 38 क्या होगा, ये प्रोमिसर है, ये रेडी है परफॉर्म, मैं प्रोमिस यू मैं रेडी नहीं। ये मेरे को रोज फोन करके बोल रहा है, सर आज एसी रिपेयर करने हैं, बुलवा कर ठंड में एसी रिपेयर करने, सर आपकी वारंटी खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, नहीं रिपेयर कर। तो कौन नहीं अलाउ कर रहा, प्रॉमिस ही नहीं अलाउ कर रहा। 38 में कौन नहीं अलाउ कर रहा, छोटे प्रॉमिस ही नहीं अलाउ कर रहा, वो डिस्चार्ज।
38 इज टॉकिंग अबाउट प्रोमिसर का डिस्चार्ज, प्रोमिसर डिस्चार्ज, क्योंकि प्रॉमिस ही परफॉर्म नहीं कर। लेकिन इस पर तीन चीजें होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए, करेक्ट टाइम और प्लेस पर, मतलब रात को 2 बजे मैं ये मेरे को फोन करके बोला मतलब 2 बजे अभी मैं फ्री हूं, आ जाओ इस पे, प्रॉपर टाइम और प्लेस पर होना चाहिए। और एक पॉइंट इसमें सोगा से उठा के लिखा गया है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ समथिंग देन द प्रॉपर टाइम शुड बी गिवन टू आइडेंटिफाई एंड चेक द गुड्स। देखो ये पॉइंट लिखा है आपने, पहले आउट एक्रोनिम बनाया है इनके लिए नया नया, वो OUT आउट, क्योंकि वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा था जब तक पूरी तरीके से हार गए, आउट। तो ओ ऑफर्स टू डिलीवर समथिंग, यू अनकंडीशनल, और टी टाइम एंड प्लेस रीजनेबल। ठीक है, अब 39 क्या, 39 इज हिमांशु, हिमांशु एक डांस बार का ओनर है, ठीक है, शीतल डांस। यहां पर ये एक सिंगर को बुला, यहां पर कोई गाना अच्छा गाता है, अरे क्या नाम है दीदी आपका, अरे नाम क्या है दीदी आपका, गाना गाने नहीं बोलेंगे, नाम क्या क्या उधारी मांग रही हो क्या, इतना कहा चिल्ला रही हो, सिप्रा, अच्छा सिप्रा नाम है तुम्हारा, हाँ ऑल ओवर है। तो शिप्रा नाम है दीदी का, तो दीदी को हिमांशु ने अपॉइंट किया, अपलाइन किस तरह बता रहे हैं, नई सेक्शन बता रहे हैं, अपॉइंट किया 10 सिंगिंग परफॉर्मेंस को देंगी, 10 सिंगिंग परफॉर्मेंस एवरी वीकेंड सैटरडे संडे, हर एक का 10,000 रुपया है, ठीक है, उन्होंने 2 सैटरडे संडे को नहीं है, ठीक है, उसके बाद तीसरे सैटरडे संडे आए, हिमांशु कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, यस बिल्कुल कर सकता, क्योंकि प्रोमिसर काम परफॉर्म नहीं कर, लेकिन अगर हिमांशु ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बाद में जाके सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेम गलती के लिए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल, और दोनों ही केस में चाहे वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, तो 2 दिन दीदी ने गाना नहीं गाया, दीदी को क्या देना, कंपेंसेशन देना पड़ेगा दीदी को 2 दिन का। यही सेम केस लॉ 39 का आता है शीतल विद्या मंदिर, ठीक है, डांस परफॉर्मेंस का, अरे बुक खोलोगे ना तो एग्जांपल भी जो दिया है उसमें भी यही सेम एग्जांपल, मैंने बुक के सेम वर्ड्स आपके लिए लिखे हैं, मतलब प्रोमिसर रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, द प्रॉमिसी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और अलाउ द सेम बाय वर्ड्स स्पोकन रिटन और बाय अक्विंस। बिहेवियर अबे वो आके बोल रही है हिमांशु को सर मेरे को गाना गाने दीजिए, वो 2 दिन मेरी तबीयत खराब ही होता है, तो ऐसे केस में क्या है बिहेवियर से लिखा, ठीक है, पर वो 2 दिन की परफॉर्मेंस का पैसा उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, वो नहीं मिलेगा, ठीक है, पहला सेगमेंट खत्म, 37, 38, 39 एक लाइन में बोले 37 दोनों को परफॉर्म करने बोल रहा, 38 बोल रहा है कि अगर प्रॉमिसरी बेकार आदमी निकला तो प्रोमिसर डिस्चार्ज, और 39 बोल रहा है अगर प्रॉमिसर बेकार आदमी निकला तो प्रॉमिसरी कैन कैंसिल। सेकंड सेगमेंट जो आता है 40 वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, प्रोमिसर हिमसेल्फ अगर स्किल इन्वॉल्व, अगर कोई पर्सनल स्किल नहीं है तो एजेंट भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक सेक्शन का लाएगा, मैं लिखने का पहले सोचना चाहिए था, हम एक्चुअली ये सोच के बैठे थे सबके पास नोट्स होंगे भाई दिस टाइम, ठीक है, जिनके पास है वो देख ले, जिनके पास नहीं है बस थोड़ी देर में 15 मिनट, ठीक है, सेक्शन कौन सा है मेरे को देखो, मेरे को 41, 42, 43, 44, 45 गिनती आती है, गिनती आती है 41 के बाद क्या आता है, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, पहला वाला 41 क्या बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रॉमिसर हो सकता है, there can be more than one promiser in a contract, ठीक है, वो 42 बोलता है, पता 41 क्या बोलता है कि सर मान लीजिए मेरे इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ये तुम्हारे पास जिंदगी में बहुत आएगा, ठीक है, इसके लिए कमीशन नहीं मिलती, लेना ही लीगल है,
मिलती है। मान लीजिए तुम्हारा एक सीए फर्म है, ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पीरियड एक पॉइंट ऑफ टाइम में 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिट नहीं करता, मैक्सिमम इज 20। अब मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के पास 20 ऑडिट है ऑलरेडी इस महीने की, मतलब इस पीरियड में अभी लेके बैठे हैं 20 ऑडिट, 21वां ऑडिट आया, पैसा तो देगा वो, क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भैया आप एक काम करो, हिमांशु के फॉर्म से करो, जान पहचान नहीं है देखो, आप देख लो आपको ठीक लगे, पैसे के इसमें ना कमीशन मिलता है, मैंने रेफर किया ना, मेरे को 10% कमीशन मिलेगा, इलीगल है, गंदा है और धंधा, ठीक है। तो अब एक बात बोलो, उस आदमी ने अगर हिमांशु को चूज कर लिया तो कौन लायबल होगा? हिमांशु की मैं? हिमांशु आई एम डिस्चार्ज, आई एम रिलीव्ड ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोबारा मेरा गला कोई नहीं पकड़ सकता, आई एम डिस्चार्ज। यही सेक्शन 40 कि जहां पार्टी तीसरे आदमी को पकड़ ले तो बीच वाला आदमी का, मैं स्टोरी में हूं ही नहीं, मेरे को हिमांशु को गला पकड़ा, हिमांशु को रास्ता खींचे बैठ, सब सच में तुमको थोड़ी ना कोई पीट देगा, दिल्ली है भाई, यहाँ पर पीटेंगे वीटेंगे सीधा उठा के ले जाएंगे, तो दूसरा को उठा लेगा। हरियाणा से बहुत लोग आए ना यार, कितना तुम लोग ये क्या ट्रेन से आया कि हरियाणा से यहाँ मेट्रो कितना देर लगता है? यहाँ तो जो गुड़गांव में नहीं रहता वो मतलब दिल्ली में रहते हैं, उस दिन उस टाइम लास्ट टाइम आए थे तो दिल्ली, मतलब अकेडमी का शूट था वो दिल्ली जा, दिल्ली उतारा, दिल्ली से नोएडा लेके गया, दिल्ली है दिल्ली तो है, हाँ भाई नोएडा गुड़गांव सब दिल्ली है, देखो। और कुछ लोग तो इतने निर्लज्ज लखनऊ में भी रहकर बोलते हैं सर कि दिल्ली में पास ही में, तो फिर लंदन भी पास में, श्रीलंका भी पास में, और कहीं नहीं मिला रहा फॉर एग्जाम्पल। सर अब 42 क्या बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा जॉइंट प्रोमिसर हो, ठीक है, हर जॉइंट प्रोमिसर का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेट मी यूज दैट वर्ड इंग्लिश वाला, ईच ऑफ देम आर जॉइंटली एंड सिमिलरली लायबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ अदर अदर पार्टनर में अदर प्रोमिसर। एग्जाम में याद इमोशन ओवर फ्लो ना हो जाए, प्रोमिसर का क्वेश्चन हो पार्टनरशिप लिख के बता जाए, ठीक है, तुम्हारी आदत है ज्यादा, मतलब क्या होता है ना जब ज्ञान नहीं हो तो ठीक है, आता है तो एक ही मोमेंट है सब लिखते, जब वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप का रेफरेंस मांग रहा है यूज कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, और ज्वाइंट प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इनका 42 हुआ। इसमें कौन कौन सी बात ध्यान रखने वाली है मैं बता देता हूँ, ठीक है, पांच बात है, ये सारे के सारे एक दूसरे से लायबल होते हैं, ठीक है, जॉइंटली और सीरियसली, मतलब अगर कोई भी केस करे तो एक आदमी से भी पूरा रिकवर किया जा सकता है। दूसरा, अगर इनमें से कोई मर गया तो इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा, लेकिन देखो सर प्रोफेसर को अकेले पकड़ सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकेले नहीं पकड़ाएगा, इससे क्वेश्चन है मतलब क्या है सर, ये सामने बैठे हुए सारे के सारे जॉइंट प्रोफेसर और जिंदा है, इनमें से किसी भी एक से मैं लाइबिलिटी रिकवर कर सकता हूँ, मान लो इसको पकड़ लिया राहुल, तू देगा उधारी पूरी जितनी बाकी है तू देगा, ये दे देगा, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मान लो राहुल पकड़ गया और राहुल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मैं अकेले पकड़ सकता हूँ क्या? नहीं, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव झुंड में लायबल होते हैं और प्रोमिसर अकेला लायबल, ठीक है। अच्छा, उनके बाद तीसरी बात, लेट्स से प्रोमिसर ने किसी को सिलेक्ट कर लिया कि नहीं ये वाला बंदा अच्छा लग रहा है, इसी से पेंटिंग बनवा, ठीक है, तो बाकी तो ये तो डिस्चार्ज हो गया, बाकी सब डिस्चार्ज हो गए, लेकिन सर इंसान होगा तो क्या ये बाकी को रिकवर कर सकता है? इंग्लिश में joint promisor can recover contribution from other promisors. एक बार सब लोग बोलेंगे, the joint promisor can recover contribution from other promisors. सबसे ले सकते हैं, ये पावर उनके पास है, ठीक है सर। सबके साथ चौथा पॉइंट, सबके साथ
सबका एलआर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या क्या एक मरना इंस्टॉलमेंट सभी ये है पांच सेक्शन की, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है अभी तक, इसीलिए पेज घुमा दिया गया। 45 में एकदम सिंपल सी चीज बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रॉमिस ही होगा। अभी तक प्रॉमिस सर बोल रहे थे, अब प्रॉमिस फ्री हो रहा है। ठीक है, अभी तुमने स्वयंवर देखा है कभी? स्वयंवर स्वयं में मतलब खुद रहे कि नहीं बेटा, इंडिया में मर्द इतने लकी है, मतलब कभी तुमने कॉन्सेप्ट पता है स्वयंवर का क्या? बेसिकली होता है क्या, बहुत सारी लड़कियां और सब तुम्हारे प्यार में पागल हैं और सब तुमसे शादी करने आए। अरे बाप नहीं लिखा तो इसमें ये जितनी लड़कियां ना सब प्रॉमिस ही है, दो प्रॉमिसर, ठीक है। सो यू हैव द राइट टू सेलेक्ट व्हिच ऑफ वन ऑफ यू। किसका कम मैसेज है? हाँ देखो, एक बेसिक राइट तो ये है कि हम अगर ये छह लोग प्रोमिसर, हम किसी भी एक का गला पकड़ के उससे पूरी लाइबिलिटी ली, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि सबके साथ लाइबल है। लेकिन अगर कोई मर गया तो एलआर के साथ वो नहीं कर सकता, क्योंकि एलआर ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना साइन किया था यार। एलआर किया था क्या? एलआर नहीं किया था। तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किसने किया? उस पर्टिकुलर इसलिए एलआर की, अब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एलआर की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और प्रोमिसर्स की जॉइंट एंड सिवियर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिवियरली का मतलब यहाँ सबको पता है कि हवा में मैं सिवियरली बोल रहा हूँ, पीछे सिवियरली, सिवियरली का मतलब क्या होता है? इनके बीच में ले मिलाया बदला, क्या यहाँ पे घुस घास के बैठ जाओ, कहीं पर धक्का धक्की देंगे, उधर उधर गरीबा के पकड़ जगह कैसे खाली हो जा रही है बार बार। अच्छा उसको पीछे जगह मिल गई, तुम्हारा नाम लिखा उस पर लिख के चल जाना फिर। देखो सर 44 क्या बोलता है कि जॉइंट जब है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी एक को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर, लेकिन वो बाकियों से कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकता है। लॉजिकली समझो, मैं प्रिंटर, लेकिन यार जो पैसा देगा ऑडिट टीम वो तो प्रॉफिट में सबके हिस्से में जाएगा, तो अगर लॉस हुआ तो मेरे को अकेला आगे कर दोगे, तो वहां पर भी तो सबको होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, बाहर जाना मेरा गला पड़ेगा, लेकिन मैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे रिकवर करूंगा ना, मेरा राइट है, ठीक है। नसीब रोकने का मतलब क्या होता है? अगर थ्री है नंबर तो थ्री का नसीब रोकने क्या होगा? फोर है तो फाइव है तो माइनस फाइव है तो माइनस वन बाय फाइव होगा कि वन बाय माइनस फाइव होगा? उसमें भी लोग रूप के सोच रहे हैं, तुम लोग ऐसा लगेगा ना मैथ्स के हिसाब में तुम्हारा घूम क्या है, टू प्लस टू के लिए भी कैलकुलेटर यूज कर। अच्छा आपको सरल भाषा में कोई रेसिप्रोकल का मतलब बता देगा? सरल भाषा में, अरे इतना भी सरल है उनका, मैं आपके लिए कुछ करूंगा प्रॉमिस पर, आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस। अब इसमें जो टॉपिक यहां पर है पता है क्या? वो टॉपिक है ऑर्डर के बारे में, के बारे में कि किस तरीके से हो, पता तो है कि दो लोगों को एक दूसरे के लिए कुछ करना है, लेकिन कैसे? जैसे पहला होता है साइमल्टेनियस, साथ साथ कर,
हम साथ साथ हैं। शादी में अगर लड़का लड़की दोनों है तभी तो फेरा होगा। मान लो 3 फेरे के बाद लड़की भाग ली, अब फेरा कंप्लीट होगा? उसका किसी एक आदमी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हुआ, लड़की की वजह से, दूसरे के एंड में क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, वॉइडेबल सब नहीं होगा। अब मान लो तुम लोग में से किसी कोई इतना खुशकिस्मत हो कि तुम शादी के फेरे ले रहे हो, 3 फेरे लिए, 4थे में लड़की भागी, तुम्हें नहीं करना इससे, चेंज ऑफ ओपिनियन। चेंज ऑफ ओपिनियन, तो अब ऐसे में आप बताओ आपको दुख होगा कि नहीं होगा? तो आपके एंड पे वॉइडेबल होना चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम परफॉर्म होने की गलती आपकी है, दूसरे की है। इस बार बेटा गरिमा के बगल में सीट खा ली, बड़े कंफर्ट में बैठी हुई है, 1 2 3 4 4 4 4 4 वो उधर कॉल कर, उधर कुछ क्या इसके? हाँ, विंडिक्टिव डैमेजेस करके पढ़ा है ना आपने, ब्रीच ऑफ वारंटी में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में विंडिक्टिव डैमेजेस मिलेंगे क्योंकि आपने दूसरे का वो हर्ट किया, क्या होता है इज्जत, फीलिंग, फीलिंग लड़कों की भी होती है, वही तो फीलिंग है, और क्या चीज करेगा? और तुमको क्या लगता है तुम्हारे अंदरूनी दिल को कितना दर्द हुआ उसको मेजर करेगा क्या? वही शादी का खर्च वापस मिल जाता है, कुछ नहीं होता, भगवान का करे ऐसा किसी के साथ हो। तुम लोग ऐसे किसी के साथ हो तो बताना जरूर, तुम लोग एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकेंगे तुम्हें नेक्स्ट टाइम। आइए लोकल परफॉर्मेंस आना सर, सबसे पहले साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस पर साथ साथ करना है, तो अगर तुमने अपना काम नहीं किया तो मैं भी डिस्चार्ज। दूसरे में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, देखो कभी कभार क्या होता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर देता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको जब एग्जाम में पेपर दिया जाता है, टीचर बोलता है ना फर्स्ट 15 मिनट्स इज रीडिंग टाइम, उस टाइम पे बेटा तुम कुछ लिख नहीं सकते। अगर गलती से तुमको पेपर के ऊपर भी स्क्रिबल करते हुए देख लिया ना, उन लोग को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि पेपर कैंसिल, क्योंकि वहां पर परफॉर्मेंस फिक्स कैसे, पहले हम पेपर देंगे, आप 15 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद लिखना शुरू। आलो भैया आलो, पीछे दे दीजिए, प्रिंट लेके आया ना, आप पीछे दे दीजिए। आप टेक वन पास द रेस्ट है, डोंट टेक होम। हाँ, 180 कॉपी है उसमें, जितना लग रहा है पीछे ले लो, ताकि एक्स्ट्रा इधर निकल जाए। तभी बोला यहां निकाल के सर, सर एक सेकंड आप पीछे जाके खड़े हो जाओ, देख लो इनमें से कोई डाय नहीं, बार एक बार देख लो, इनका भरोसा नहीं है, इनका भरोसा नहीं है। हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी है ना बच्चों को करते हुए, मेरे इंसानियत से भरोसा हो गया। एक लौटा है, उसने मेरे जो नोट्स है ना पूरी ड्राइव, उस ड्राइव को उसने कॉपी किया, सारे नोट डाउनलोड करके दूसरी ड्राइव, उस ड्राइव को उसने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया, और सबको ड्राइव का एक्सेस देता 300 रुपए। मेरे को कैसे पता चला, एक बच्चा मेरे को बोला, एक दिन मैसेज किया, सर आपकी ड्राइव का लिंक दे दीजिए और आपका नंबर दे दीजिए, मैं पेटीएम कर देता। मतलब सर ये 300 लगता है ना आपकी ड्राइव एक्सेस करने का, मतलब किससे बोलते हो मेरे को? फिर मैंने पूरी लिंकेज निकाली, फिर जब मैंने उसको पकड़ा ना, मैंने उसको कुछ शर्म नहीं आती, मतलब सर बिजनेस है, अपने मेरा नाम मत इस्तेमाल कर, मेरे को जो करना है कर, मेरा नाम मत इस्तेमाल। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना, हरकतें बहुत है भाई बच्चों की, यही सब में तो दिमाग चलता है, समझ सारा कॉमर्स निकालेंगे। देखो सर जिनको मिल गया बाकी, और इधर आगे देख लो, आगे देख लो, सबके पास एक पहुंच गया, एवरीवन हैज इट नाउ, प्लीज ओपन टू दिस सेम पेज। अब हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। जो बच गए इधर, इधर तुम लोग ले लो, ठीक है सर, एक एक करके ले लो, एक रख लो, और अब हम लोग उस पर लिखेंगे, इसीलिए हम सबसे वेट कर रहे थे। आप अगर देखो पेज नंबर, यूनिट नंबर बोलते क्लास नोट की जगह है, वेट कर रहे थे कि तब तक कोई नहीं आगे पढ़ा देना। यही स्कीम बाजी है, तो एक्स्ट्रा बजा था यहाँ पे रख लिया।
आस्ते आस्ते बैक में चले जाएगा वो। सबके पास एक पहुंचा दो सर, बस गाइस यू ऑल फॉर रिपेयर बट परफेक्ट इधर पीछे टोपी। हां ये अच्छा, आप टोपी के पास पहुंच गए। आओ तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। आप बात कर लीजिए बुक बैठी हुई बोलेगी तो लिखेंगे ऐसा है नहीं झूठ बोल रहे। अरे ये जो पूरा ये तो तुमको 23-23 पेज का अभी प्रिंट आउट आया ना, इसकी भरपाई हम ही को करनी है। आज लंच बर्थडे पार्टी एकदम किसका बर्थडे चला गया काम करो केक या काट के खाने चलो 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 भाई खत्म करते हैं। और सर ये वाले दो को चार मार्क दीजिए क्योंकि इसमें ना बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क क्या। देखो एक है कि मैंने तुम्हें रोका तुम्हारा काम करने से, एक है मैंने तुम्हें रोका तुम्हारा काम करने से, और एक है कि मैंने अपना ही काम नहीं किया तो तुम अपना कैसे करते। दूसरा वाला पहले वाला ठीक है, मैंने घर बनाया ही नहीं है ठीक है, घर बना रहा था सरकार का नोटिस आ गया कि दिस लैंड इज एग्रीकल्चर तो घर बन ही नहीं पाया तो तुम इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे करो। दैट इज Default by one party disables the other party in performing the ठीक है नीचे। दूसरा में मैंने तुमको प्रिवेंट कर दिया था ठीक है, घर बन गया था सेम एग्जांपल दे रहा हूं मैं जिससे आप डिफरेंस समझ। घर बन गया तो रोज चाबी मांग रहा था दे ही नहीं रहा, रोज चाबी मांग रहा था दे ही नहीं रहा, जबरदस्ती मैंने तेरे कॉन्ट्रैक्ट को डिले करा दिया तो क्या ऐसे में कुछ मिलेगा क्या, ऐसे उसकी गलती है क्या? नहीं 30 मिनट्स नहीं तो फ्री डोमिनो, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, तुमने एड्रेस ही गलत दिया, तुमने कोई दूर गली है तुम्हारे घर से वहां का एड्रेस दिया और नंबर अपना दिया, गलती किसकी है आपकी है ना। सो इट इज बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक और फॉल्ट यू हैव प्रिवेंटेड द अदर पार्टी फ्रॉम ठीक है। अगर आप लोग आ गए सुबह और मैं ये दरवाजा खुला ही ना रखता तो आप एंटर ही नहीं कर पाते, वो आपकी गलती मेरी गलती है, मेरी गलती है ना ठीक है। प्रिवेंशन बाय वन पार्टी टू स्टॉप द अदर पार्टी, ये ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क है। ऊपर वाले में आपने उसको प्रिवेंट किया है ठीक है, मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, और नीचे वाले में मैं खुद अपना ही काम नहीं कर पाया इसलिए ठीक है। पहले वाले में ऐसा समझ लो मंडप में बैठे हैं और वो नहीं आई, और दूसरे वाले में आप और वो दोनों मंडप में बैठे हैं पंडित नहीं आए ठीक है, तो ये दोनों में फर्क ठीक है। पहले वाले में उनकी गलती थी, दूसरे वाले में किसी की गलती नहीं है, बट नेचर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि गलती। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट था इसीलिए रुक के बता। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स्ड टाइम, कुछ नहीं सर डैमेजेस मिलते हैं। ये ना देखो ये एक ऐसा पॉइंट है कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि ये बुक में मतलब इसको इज्जत ही नहीं मिली है, ये ऐसा पॉइंट है लोगों को पता ही नहीं है बुक में, बट इसके ऊपर केस स्टडी आता है। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म विद इन टाइम फिक्स, अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स करके रखा है 6 मंथ, अगर मैं वो टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करूं तो वो वॉइड है कि वॉइडेबल। अगर मैंने तुम्हें 6 महीने का टाइम दिया, तुम एशियन पेंट हो, मैंने तुमको बुलाया 6 महीने का टाइम दिया, मैंने बोला 6 महीने में मेरा पूरा घर पेंट, अगर 6 महीने में नहीं हुआ तो वॉइड है कि वॉइडेबल।
पॉइंटेबल, इट इज पॉइंटेबल एट माय ऑप्शन, यही तो नीचे लिखा अगर फिक्स टाइम पीरियड में परफॉर्म नहीं किया इट इज पॉइंटेबल। एजेंट कोई इसलिए नहीं करता वो सबको लगता है तो हमको आता ही है, बात एकदम सही है लेकिन ये है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ रखा। अब आते हैं इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती है, एक सिमिलर एक अदर्स। एक है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस दिन से अग्रीमेंट विद द माइनर वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, अग्रीमेंट विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अग्रीमेंट विद अ ड्रंकेड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड, मतलब ये सारे केसेस में मानसू ये सारे केसेस में इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है कुछ क्लियर है ना पूरा। हाँ तो जहां जहां पर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है वो होता है वॉइड एब इनिशियो, मतलब क्या है इसका वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, अरे लिखो देशान को लिखो वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, तुम्हारा तो कम से कम वो ब्लैक एंड व्हाइट है उस पर रंग तो भरो, हाँ ब्लैक है मतलब भाई व्हाइट फ्रॉम पेन की ब्लैक ही लेके आए, पड़ोसी का ले लो ब्लू ब्लू ग्रीन पिंक। नेक्स्ट उसके बाद आता है सर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। व्हाट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पहले वैलिड है बाद में वर्ड हो गया, कोई वैलिड एसेंशियल पहले प्रेजेंट था बाद में एब्सेंट हो गया, ठीक है। हिमांशु से गरिमा, अगरी गरिमा है कोई यहाँ पर भट्टागर को छोड़ के दूसरा वाला कोई गरिमा पार्टी है नहीं भट्टागर, ठीक है तो गरिमा का और हिमांशु का रिश्ता पक्का हुआ, हिमांशु मन इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर रहा है छत पे आए खुद, ठीक है तो ये क्या हो गया वॉइड हो गया, पहले पॉसिबल था बाद में इम्पॉसिबल, लेकिन इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के अंदर मसाला रखा हुआ केस स्टडी वहां से टॉपिक इम्पॉसिबल है, लाइक एक मॉल बनाना और एग्रीकल्चर प्लॉट दोनों को पता है इम्पॉसिबिलिटी के बाद, ठीक है तो वॉइड है क्योंकि तो दोनों को पता था, दोनों को नहीं पता है तो भी वॉइड है, लेकिन अगर एक को पता है और दूसरे को नहीं पता तो बेटा वो उसको ठग रहा है तब तो फ्रॉड है और वो वॉइडेबल है। मैंने क्या बोला ये प्लॉट ये जो जमीन है ना ये एग्रीकल्चर लैंड है, एक को पता है एक को नहीं पता और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कराता है यहाँ पर मॉल बना तो फ्रॉड ही तो कर रहा है क्योंकि वो चाहता क्या है पैसा, दो पैसा देखेंगे आधे से ज्यादा बिल्डर लोगों पे लोगों को भरोसा क्यों नहीं होता क्योंकि लोगों को लगता है ये चोरी करने के लिए बैठे, ठीक है क्योंकि जिस तारीख को ये बोलेंगे कि जब मान लो 2025 में प्लॉट कंप्लीट हो जाएगा तब भी वो 26 27 28 जाने ही जाने, उसके बाद जो जो चीजें ये पहले प्रॉमिस करते हैं ना वो अचानक से मेन प्लॉट से गायब हो जाते, पहले तो ये पूरा करके देंगे ये नीचे स्विमिंग पूल सर ऊपर स्विमिंग पूल आप 10वीं फ्लोर पे बालकनी में पूछ जाइए नीचे स्विमिंग पूल लगेगा सब प्रॉमिस कर देंगे आपको दुनिया जाएगा मरेंगे नहीं सर लाइफ लगा देंगे आपके घर से सीधा स्विमिंग पूल सब कर देंगे, लेकिन जब एक्चुअल होगा तो सिर्फ एक ही स्विमिंग पूल होगा और उसमें भी ना वाटर मेंटेनेंस रहेगा, वो इतनी मेंटेनेंस पर रहेगा कि एक बार साल में चलेगा और फिर मेंटेनेंस। तो यहाँ पर ना अगर दोनों पार्टी को पता है वो वाइड है, एक पार्टी को पता है एक को नहीं पता है दोनों को ही नहीं पता है तो क्या ही कर लोगे तुम आप जब वो पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट आप लिखने का टाइम आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, सर कोई बता देगा ये तीन सेक्शन एक एक लाइन में आपको इसके तो पुराना वास्ता है भाई 59 60 61 नहीं उधर कोई बोल हीरो नाम बता पहले ठीक है एकदम परफेक्ट बोला ठीक है टाइम में डाल पाओ राइट ठीक है
फर्स्ट में क्या बोला सर, लेकिन टाइम में जब वो करेगा तो टाइम बार्ड और डिस्प्यूटेड डेट को एडजस्ट नहीं कर सकता। सर डिस्प्यूटेड डेट क्या होता है, जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है उसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड। नेक्स्ट और तीसरा वाला में क्या बोलता है, जिसमें किसी ने कुछ नहीं बोला उसमें किस हिसाब से होगा, जैसा कोर्ट डिसाइड करेगा उस हिसाब से पेमेंट एडजस्ट होगी और उसी मैटर में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ना टाइम पार्ट वाला भी एडजस्ट हो जाएगा, टाइम पार्ट वाला लिख कहा रहा है तू, अच्छा तो एक सेकंड के लिए ऐसा बोला भैया मेरा बोला, अच्छा तुम इधर बैठे तुम लोग देख रहे हो, नसीब देख रहे हो, गादी की कुर्सी पर बैठे भाई, यही अगर हो गई तो यही करवा दू, यही कर ले। कोई है तुम्हें से? कोई नजर में है? इतनी अच्छी किस्मत हमारे लिए। लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट बी परफॉर्म, खुद ही बोलता है हमको मत निभाओ, नीड नॉट बी परफॉर्म का मतलब हमको मत निभाओ। आप सब लोग पेन निकाल लो, अब तो क्लास नोट एरिया लिखा हुआ, यही लिखाने के लिए रखें। देखो सबसे पहले आता है नोवेशन, नोवेशन में क्या होता है, या तो पार्टी चेंज हो रही है या पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है। बिग बॉस देखते हैं ना, बिग बॉस अच्छा है, जिंदगी अच्छी है आपकी, जो लोग देख रहे हैं वो लोग घटिया किस्म के लोग हैं। सुनिए फॉर एग्जाम्पल, हम लोग वही से उठाएंगे, बिग बॉस होस्ट कौन करता है, सलमान भाई। तो अब कलर्स और सलमान भाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है बिग बॉस होस्ट करने का, उसमें या तो हम सलमान भाई को पलट दें, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दें उनके बीच, सलमान भाई का पैकेज कम कर दें, लाभ बहुत बकवास करते हैं टीम में आगे, 5 करोड़ 1 लाख रुपए देंगे, पिक्चर तो पिटी नहीं है, टाइगर से कुछ आया था कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला, जितनी स्पीड में आया उतनी ही स्पीड में निकल गया। अभी बंदा देखो कभी भी वो अपनी दूसरी पिक्चर का इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं शुरू करता, अभी कोई फूल लूल की पिक्चर का करने लगा ना, फिर भी वैसा ही हो गया धीरे धीरे, एकदम सूट करता कैरेक्टर फुल बैन, ठीक ना, नोवेशन में लिखना, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा दू कि बोलू, चलो एक बार बोलने के चांस दी, ठीक है। इन दिस केस आर इज क्लियर, इन दिस केस, in this case either the parties are substituted, either the parties are substituted or the contract between the parties are substituted, or the contract between the parties is the substituted, either the contract is substituted or the parties are substituted, ये दो बार लिखनी थी, आगे पीछे जैसे भी लिखा, ठीक है। Then that is called novation. Sir, novation comes from the word new. Novation, new. Next, recession में चलो, perfect. हाँ कैंसर लिखा था, पोपटलाल, female पोपटिया, नहीं ना? It leads to termination of contract. 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 Come on. Then next, alteration. Change in terms and condition. Change in terms and condition where the material aspect, change in terms and condition where the material aspect requires, but the material ko bada change hoga, where the material aspect requires consent of both the parties,
वो हो गया ऑल्टरेशन। फिर आया रेमिशन, वेवर लिखना है, रेमिशन पर आके लिखना है। वेवर, वेवर का मतलब होता है गिवअप, वेवर ऑफ परफॉर्मेंस, वेवर ऑफ परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसी, बाय द प्रोमिसी, बाय वेवर ऑफ परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसी, बाय एक्सेप्टिंग, बाय एक्सेप्टिंग सम अदर सेटिस्फैक्शन, बाय एक्सेप्टिंग सम अदर सेटिस्फैक्शन। By accepting some other satisfaction. Basically, यहाँ पर क्या होता है? Contract बीच में रफा दफा करते हैं, ठीक है? तो कुछ थोड़ा बहुत क्लेम देके निकलवा देते हैं। ये कहाँ पर होता है? मान लीजिए आपका कोई बड़ा बिल्डर है, उसने कोई जगह खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली। अब वहां पर बहुत पुराने पुराने टेनेंट होते हैं। अब टेनेंट तो निर्लज छोड़ेंगे नहीं, तो उनको कुछ कुछ पैसा देके वहां से रफा दफा कर देते, निकाल देते, ठीक है? तो वो जो दे रहे हैं ना कि भैया घर छोड़ दो, घर खाली कर दो, ठीक है? अवसर। नेक्स्ट रिस्टोरेशन में देखो, नींद रात भर क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। वो कौन सा सब्जेक्ट? टेस्ट था। क्या चीज था? कॉलेज में। यस, विच कॉलेज? विच कॉलेज? क्या सब्जेक्ट है? देखे आई हूँ। वेरी सैड। नाम क्या बेटा आपका? बहुत तकलीफ है भाई कॉलेज में। रिस्टोरेशन सर, रिस्टोरेशन मतलब वापस देना, ठीक है? ये दो सेक्शन में जोड़ा सेक्शन, ठीक है? कहीं पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, बदले में कुछ मिला है, तो आपको वो रिटर्न करना, या कहीं पर अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, आपको कुछ मिला है, तो वो रिटर्न करना। सिंपल सी बात है। अगर हिमांशु कल को घर वापस जा रहा था और हमने उसको रास्ता में पकड़ लिया, ठीक है, उसके सर में बंदूक रखी, हिमांशु की प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा, जिस दिन हिमांशु कोर्ट जाएगा और इसको वॉइड डिक्लेयर करेगा, आप हमको हिमांशु की प्रॉपर्टी उसको और बदले में अगर हिमांशु ने हमसे कुछ जब्दे कह के ना जबरदस्ती उसकी पकड़ लो, 5,000 का, 5,000 एकड़ की जमीन थी, 5,000 रुपये मिल गए, ठीक है? तो आपको 5,000 रुपया भी देगा मेरे को वापस। रिस्टोरेशन है ना, जिसका जो हिसाब है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एडवांस, ठीक है? आपने कोई चीज की एडवांस बुकिंग की और एडवांस बुकिंग में फाइनल पेमेंट के लिए उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, पूरा पैसा वापस मिलेगा विद डैमेज, ठीक है? फोन वगैरह की एडवांस बुकिंग करते हैं ना, आप बोलो कि स्मार्ट हो गया, पता है, नीचे लिख देते हैं हाउएवर डिले ऑफ 7 to 8 days इज कंसिडर्ड या परमिटेड। आप मतलब तुम पहले तो आप 1 महीना रुको, फिर 7-8 दिन और रुको, उसके बाद तुम कोई एक्शन ले सकते हो। पॉसिबल है, उतना टाइम पीरियड जितना उन्होंने प्रॉमिस किया तब तक पूरी बात है। क्या वॉइडेबल में लिखना? वॉइड में लिखना दोनों के सामने एक ऐसा ब्रैकेट बना देना, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? कर्ली। ओ माय गॉड, हम लोग तो सेकंड ब्रैकेट बोलते थे, बच्चे आजकल कर्ली बुला रहे हैं। क्या कर्ली ब्रैकेट? Under a void or voidable contract, all damages are fully recoverable. नहीं दिखाई दे रहा? कहाँ नहीं दिखाई दे रहा? अरे contract ही लिखा, उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है। Under a void or avoidable contract, all damages are fully recoverable. And all monies restored. Sir, money को जब plural में लिखते हैं ना, तो वो monies हो जाता है। Monies नहीं, monies.
ट्रेन में एक जगह भी है पता है पुलिस जगह भी नहीं है, म्यूनिख है, मनीष नहीं। आइए कम्युनिकेशन ऑफ प्रिसेशन। किसका किसका सलमान खान को उठा के शो से बाहर फेंकती है, नो वेशन, पूरा पार्टी चेंज है, ठीक है, या सलमान खान का पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, न्यू पेमेंट्स, न्यू स्कीम, एवरीथिंग न्यू, ठीक है। सलमान खान के एक्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टार्ट डेट थी शो की उसको एक दिन पीछे करती है 12 से 15। ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन में द कॉन्ट्रैक्ट स्टेज स्ट्रॉन्ग, ओनली सम टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर चेंज, नोवेशन में द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज चेंज। ऑल्टरनेशन में पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल करके वापस से नया बनाया ना तो दैट कम्स अंडर नोवेशन। जैसे अभी जो मेल ऑर्डर अकेडमी का कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑल्टरेशन, क्यों, क्योंकि पहले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सटेंड करके 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो सेम ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया। लेकिन जो फर्स्ट फर्स्ट एकदम आया था 2020 में वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये रखना था या नहीं रखना था उनकी चॉइस थी, ठीक है, फिर उन्होंने रख के वहां से जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो ऑल्टरेशन फर्स्ट टाइम जो साइन किया था। लास्ट पॉइंट बोल, रेमिशन क्या नहीं होता, रेमिशन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, डिस्चार्ज है ना, डिड नॉट बी परफॉर्म, रिसेशन बोल रही हो कि रेमिशन बोल रही हो, रेमिशन में क्या है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है, तुमने मेरे को बोला था 10 फ्लोर बना लिया बिल्डिंग के, मैंने 10 फ्लोर ना 10 फ्लोर बनाने के लिए पैसा दिया, ठीक है, तुमने 5 फ्लोर बनाया उसके बाद मेरे को बोलते हो सर और बिल्डिंग नहीं बनवाती, इतना दूर तक ही बोलूंगा भाई मेरे को 10 फ्लोर का तो पैसा दीजिए, 10 का पैसा देंगे, मैंने किया ही नहीं काम, तो एटलीस्ट कुछ कंपेंसेशन देके कॉन्ट्रैक्ट नफा दफा, दैट इज रेमिशन, रेमिशन इज माफी, पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, और रिसेशन इज कैंसिलेशन, रिसेशन ब्रीच से भी हो सकता है, रिसेशन जो है ऊपर वाला वो ब्रीच की वजह से भी हो सकता है कि सामने वाले ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया, दैट कुड आल्सो बी द रीजन, इज इट क्लियर, लेकिन नीचे वाला रेमिशन हमेशा प्यार मोहब्बत से होता है, दिस इज ब्रेकअप, दिस इज डिवोर्स, दिस इज ब्रेकअप, दोनों में से एक आदमी अपना फोन ऑफ कर लेगा, तुमको ब्लॉक कर लेगा, फिर तुम भी कुछ दिन तोड़ रोक के जाओगे, फिर तुम भी अपने आप खुद को ब्लॉक कर, फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, है ना, रिलेटेबल, रिलेटेबल था कि नहीं था, ए चल चल, ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना जरूरी है, तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो ये भी तो कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन भी कंपल्सरी है, लिखना कंपल्सरी टू इन्फॉर्म अबाउट cancellation of contract, break ले लेंगे, खाना खाना इसके बाद, हाँ बस ये वाला कंप्लीट, एक ही पेज बाकी है मेरे पास, इतना पोर्शन, ठीक है, उसके बाद खाना खा लेंगे, कोई दिक्कत, खा लेते क्या भैया, वो जो शाही भोग लाया था ना, कैसे बेचारे दुखी हो गए, कोई बात नहीं, दीदी तुम लोग के लिए पिज्जा बनाएगी, कौन सी दीदी इतनी सारी है किसी ने कुछ नहीं बनाया, अच्छा है 2 पॉइंट बाकी, अच्छे पॉइंट है ये वाले, इसीलिए हाईलाइट करके लिखे, व्हाट इज मर्जर, मर्जर मींस, हाँ हम समझ गए, कंबाइन कर, मर्जर ऑफ राइट का मतलब ये जो प्रॉपर्टी है आज हम लोग ने रेंट पे ली है तो हमारे लिए रेंटल राइट्स है,
अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी खरीद ले तो ओनरशिप राइट हो जाएंगे, ओनर रेंटल से बड़ा होता है तो रेंटल वाले ओनर के साथ मर्ज हो जाएंगे। इंफीरियर राइट सुपीरियर राइट के साथ मर्ज हो जाएगा। मर्जर ऑफ राइट में लिखिए द इंफीरियर राइट्स इज मर्ज्ड विद द सुपीरियर राइट, द इंफीरियर राइट इज मर्ज्ड विद द सुपीरियर राइट, लिख द इंफीरियर राइट इज मर्ज्ड विद द सुपीरियर राइट। आपकी फैमिली ट्री में भी तो यही होता है, आपकी फैमिली ट्री में भी तो यही होता है। आपका पहले एक आदमी के साथ एक रिलेशन होता है, फिर घर में बच्चा पैदा होता है, आपका रिलेशनशिप चेंज नहीं हो जाता अचानक से। आज तुम चाचा थे, फिर तुम किसी और के लिए मामा बन जाते हो, पूरी कहानी आगे तक पहुंच जाती है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, हमारे जैसे लोग इतने सेक्लूडेड रहते हैं फैमिली मेंबर से, किसी तुम शादी पार्टी में चले जाओ, सामने जाने का बच्चा बोला मामा जी, मामा यही है मामा, मैं मामा को पता भाई, ये तो याद ही नहीं हमें, मामा पापा नहीं होता है। आइए लास्ट पॉइंट एंड देन वी गो फॉर ब्रेक। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिसी टू प्रोवाइड रीजनेबल फैसिलिटी टू द प्रोमिसर। एशियन पेंट्स वाले आने वाले थे घर में पेंट करने के लिए, बोले थे सर पेंट मंगवा के रखना, हम पेंट ही नहीं मंगवाए तो क्या पेंट करेंगे, अपने खुद से रंगेंगे मेरे दीवाले, नहीं कर पाएंगे ना। तो लिखना लास्ट लाइन, अब थोड़ी ना वो लोग कानपुर से थोड़ी ना आ रहे हैं दिमाग खा के थूक देंगे और रन देंगे, लिखना इफ द प्रॉमिसी फेल्स, इफ द प्रॉमिसी फेल्स टू प्रोवाइड, इफ द प्रॉमिसी फेल्स टू प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटी If the promisee fails to provide proper facility, for the performance of promise, if the promisee fails to provide proper facilities for the performance of promise, again, the promisor is discharged. Job break. Break. मैंने प्रिपेयर कराया चाहे इंटर दिसंबर 23 हो, ये दोनों में हैंड रिटन नोट्स बनाए गए एकदम लास्ट मोमेंट, काम आएंगे बाद। चलो चला गया, देखो आपको जयपुर वाला कंटेंट सेंड हो गया ग्रुप में, चेक आ गया। मैंने वैसे ना उसको कल ही भेज दिया था, बट कल से हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं टेलीग्राम में कुछ भी भेजने की जा ही नहीं रही थी, कितनी मुश्किल से तो लास्ट में फोटो गई। तो बदमाश बच्चे लोग पीछे बैठ के उल्टा सीधा स्नैपचैट यूज करते रहते हैं। आओ सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। सर व्हाट इज ब्रीच, ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। सर देखो ब्रीच दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल ब्रीच, एक होती है एंटीसिपेटरी। देखो सर आप एंटीसिपेट हमेशा सब एंटीसिपेट हमेशा कांड या काम गलत होने के पहले करते, जैसे अभी कुछ लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं ना कि पेपर बहुत ही टफ है ना, YouTube में रोज एक वीडियो आता है ना पेपर बहुत टफ है, और ये सिर्फ ये गंदना खाली एक ही चैनल फैला रहा है, नाम नहीं लूंगा मैं, एक ही चैनल फैला रहा है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, मतलब वो होता है ना एक आदमी कभी कभी बोलता है ना शकल अच्छी नहीं बातें तो अच्छी किया करो, तो शकल भी अच्छी नहीं बातें भी अच्छी नहीं, एक ही आदमी फैला रहा है, एक ही बार 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 वही वीडियो बना रहा है हर 10 दिन में, ठीक है। और बच्चे इतने बेवकूफ है रोज रोज मेरे को लिंक भेज, इसीलिए वो हार के मैंने जो एक तो बनाया था ना कि ये टफ आना है इजी आना है वो कौन डिसाइड कर रहा, तुम कर रहे हो, तो ये फालतू की चीजों में दिमाग देने का फायदा क्या। अच्छा सोचो, सोचो ये कि पेपर इससे इजी नहीं आएगा जीवन, ये तुम्हारा आखिरी चांस है एंड यू हैव टू किल इट। अच्छा चीज सोचो, यू थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव ही होगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव इसलिए सोचते हैं जिससे नेगेटिविटी के लिए प्रिपेयर्ड रहे, वाह क्या बात, वो लोग महान है, ठीक है।
तो सर एक्चुअल ब्रीच के बगल में देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद आया एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन एक चीज याद रखना भैया प्लीज, एंटीसिपेटरी ब्रीच में ना दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एक केस स्टडी वाला, ठीक है, तो वो तो आप सॉल्व कर लोगे, उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें वही सीता विद्या मंदिर ही घुसेगा, ठीक है। हाँ शीला शीला, अरे नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या है सर, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, सीधा पूछता है। सर दो चीज, एक, किसी ने मेरे साथ ब्रीच किया, मैं आज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच मान लूं, उसके ऊपर आज केस कर दूं और आज डैमेजेस मांग लूं। दूसरा क्या है, मैं इंतजार, मैं वेट करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखूंगा ड्यू डेट का। अब इसमें ना सामने वाली पार्टी का फायदा, दो चीज का फायदा, पहला हो सकता है उस डेट तक आते आते उसका मन मतलब हृदय परिवर्तन हो जाए और क्या पता वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे, अच्छा इंसान बन जाए वो, ठीक है। या दूसरा क्या है, अगर मान लो वो इम्पॉसिबल हो गया तो कुछ मेल देना की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो चीज इम्पॉसिबल हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा दोस्त है हिमांशु, ठीक है, आज हिमांशु की एक बहुत ही खुशी का दिन है उसकी जिंदगी में क्योंकि हिमांशु की आज शादी, तो अब बात क्या है, आज डेट है, आज डेट क्या है हिमांशु, 3 तारीख, आज पक्की हुई है कि शादी होगी कब, 13 तारीख, 13, ठीक है। 5 तारीख को सिमरन ने मना कर दिया लेकिन हिमांशु बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार मंडप तक करूंगा। अब बस एकदम मान्यवर का सूट वूट पहन के हिमांशु मंडप में पहुंचा, बेचारा उतारा पैर स्लिप हुआ, मंडप में सर लगा, हिमांशु ऑफ। अब क्या सिमरन पर केस हो सकता है कि वो शादी करने नहीं आई, नहीं, क्योंकि वो वॉइड हो गया, इट इज इम्पॉसिबल, तो डिस्चार्ज हो गया सेक्शन 56। यही फायदा होता है कि सामान को चलने देंगे, कॉन्ट्रैक्ट को चलने देंगे, दोनों पार्टी का फायदा, ठीक है, सबसे ज्यादा लेकिन दूसरी पार्टी का, ठीक है, कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो भी बच गए, हृदय परिवर्तन हो गया तो भी परफॉर्म कर देंगे, ठीक है, इनका कोई फायदा नहीं है पर्सनली इसमें, पर ठीक है ना, कभी कभी दूसरे के लिए भी कुछ करना चाहिए, आप लोग भी तो कर ही रहे हैं अपने माता पिता के लिए, है ना, इट इज बेसिकली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड ट्रीट इट एज वन, दे आर इन्वेस्टेड इन यू, यू नीड टू प्रोवाइड रिटर्न्स, द रिटर्न इज बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड फॉर देम। वो कभी मुंह खोल के तो बोलेंगे नहीं कि हमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बहुत पॉपुलर कोट है ना, यू आर बॉर्न पुअर इज नॉट योर वर्ल्ड बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर वर्ल्ड, सो यूज इट, डू वेल। नेक्स्ट, फिर आया सर रेमेडीज फॉर ब्रीच। रेमेडीज फॉर ब्रीच में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है रेमेडी सिर्फ एक ही है, वो है डैमेजेस, नहीं, डैमेजेस तो सिर्फ एक रेमेडी है 73 में, उसके बाद और भी है रेमेडीज, जैसे एक है डैमेजेस, एक है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराओ, एक है क्वांटम मेरिट, ठीक है, क्वांटम मेरिट क्या होता है मेरे को पता है, कुछ लोग तो ऐसा कंफ्यूज होगा क्वांटम मेरिट सुनके कि पहली बार जिंदगी में, तो कोई बात नहीं, हम है पहले डैमेजेस में आते हैं, सबसे पहले मिलते हैं ऑर्डिनरी डैमेज, लेकिन ऑर्डिनरी डैमेज मिलने में 3 चीजें जरूरी है, पहला नुकसान होना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपकी गलती की वजह से नहीं होना चाहिए, मैन मेड नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और तीसरा सिर्फ लॉस की रिकवरी होगी, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। आग लगा, 20,000 का सामान चल गया, 22 नहीं मिलेगा, 20 ही मिलेगा, उल्टा 20 भी नहीं मिलेगा, 18-19 मिलेगा, कुछ कम ही मिलेगा, यू कैन नॉट प्रॉफिट आउट ऑफ डैमेजेस, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। फिर आते हैं सर स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस पर केस लॉ बनता है, बुक में भी दिया हुआ है, बॉटल वाला, ठीक है, हमने इनको बोतल बेची, मेरे इनके भी 10 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है बोतल का, इनका सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट 15 रुपए का, फिर हम मैच बोतल नहीं बेचते, ठीक
ठीक है, अगर इन्होंने हमको इन्फॉर्म कर दिया है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट वहां पर भी रिलेटेड है तो स्पेशल डैमेजेस भी मिलेगा। स्पेशल डैमेजेस का दूसरा नाम लिख लीजिए लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलता है इकोनॉमिक्स वाले टीचर। आदि सर ने तो बताया होगा आपको, हमको नहीं आता। बच्चे चलाते हो, वो तो शाम है, वो शाम सर, ये शाम सर, वो शाम बोल भाई। देखो भाई एक चीज याद रखना, ये जो पिक्चर आई थी ना ओ माय गॉड एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड में आपको कोई डैमेजेस कोई नहीं देगा because it is something which is beyond the human control. तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना हाथ खड़ा कर लेगा कि सर सॉरी, तो जो पिक्चर में हुआ है ना वो देख के ज्यादा बहक मत। कुछ लोग सोचते हैं वहां पर भाई उसने कर लिया आप भी कर लेंगे, हम बोलेंगे as held in the case which was shown in the movie. Oh my God, sir, मिस्टर लॉर्ड आप भी इसको अप्रूव करिए, क्योंकि ओ माय गॉड में परेश रावल के साथ यही हुआ था, यही नाम है ना परेश रावल के, हाँ उसने वहां पर केस जीता था, आप हमको यहाँ सेम डिसीजन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट वाला ना मार के भगाएगा, ठीक है, पहली बात तो सुप्रीम तक आप चाहिए नहीं, बहुत पैसे लगते हैं उसको, या तो आजकल पता है PIL फाइल करने पर भी पैसा लगा दिया, क्योंकि क्योंकि जब तक पैसा नहीं लगा था ना तब तक CA स्टूडेंट हर बार कर देता, रिजल्ट आता वो PIL फाइल कर देता कि भैया हमारा पेपर गलत चेक हुआ है, एक बार जीता भी था भाई, केस है तुम जाके चेक कर लो, 25 नंबर का आंसर था, ठीक है, इलेक्टिव पेपर होता है CA फाइनल में, आंसर ए था, उसने ए लिखा, इंस्टीट्यूट जीरो दिया, 25 नंबर का MCQ होता है, एक MCQ 25 नंबर का, बेसिकली केस स्टडी होता है, ठीक है, एक केस स्टडी से चार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ओपन बुक एग्जाम होता है, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से देना पड़ता है। उसने ए लिखा है, उन्होंने ए सजेस्टेड में दिया, उसके बाद भी ए सही भी है, भी स्टडी मटेरियल में भी लिखा है, ठीक है, और PIL फाइल क्या अच्छी थी, पास हो गई, कुछ नहीं, ह्यूमन एरर, गलती तो इंसान से होती है, गलती पता है गलती क्या है, जब बच्चे ने ICI को रिपोर्ट किया था ना, बट ICI का मैकेनिज्म ऐसा है ना, व्हेनेवर यू आस्क द पेपर फॉर रीवैल्यूएशन ना, वो सिर्फ आपको टोटल करके वापस देता है, आपको पेपर वापस चेक नहीं होता। ये बात मैं बता दूं, 500 रुपए बर्बाद है, आपको 500 रुपए देते हो ना पर पेज, पर आंसर शीट, वो बर्बाद है, कुछ नहीं करते, वो टोटल करते हैं वापस, और वो भी वो नहीं करते, कंप्यूटर करता है टोटल करके वापस आपको शीट देते। तो अगर आपकी टोटलिंग में कुछ गड़बड़ है ना तो वही ठीक होगा, ठीक है। तो अगर जैसे कभी कभार होता है ना कोई बच्चा 39 लेके आया, वो सोचता है भाई तेरे एक नंबर तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा बेटा, उसको पता है कि 39 है, अगर उसको बढ़ाना होता ना तो पहले ही बढ़ा, ठीक है, पर जनरली मैंने ऐसा देखा है वो बहुत रेयरली 39 ला के कोई बच्चा, मतलब ऐसा हो रहा होगा कि बच्चे का 99 आ रहा होगा और 39 एक सब्जेक्ट में है तो वो पास करवा देते, ऐसे नहीं रोकते, नहीं रोकते, पर अब है कि तुम्हारा नंबर ही 176 है टोटल, उसमें तुमको 30 तो तुमको एक नंबर देके क्या ही कर, टोटल में तो तुम फेल हो ही रहे, ठीक है। आना विंडिक्टिव डैमेजेस, सर इन्होंने ना विंडिक्टिव डैमेजेस को डिफाइन नहीं किया बुक में, सबसे बढ़िया बात यह है इन्होंने सिर्फ बोला है विंडिक्टिव मतलब वो डैमेजेस होते हैं जहां पर आप किसी का क्या खराब कर देते हो, इज्जत हर्ट कर देते हो किसी के, दो एग्जांपल दिए इन्होंने, एक ये सब ICI के मटेरियल में, आपने किसी से प्रॉमिस किया मैरिज का, ठीक है, और उसके बाद आपने वादा तोड़ दिया तो सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो गई, मैंने कुछ बोला, मैं तुझे देख रहा, अब तुझे भी पता, मैं देख रहा, ठीक है, तो ब्रीच क्या चीज क्या है सर, यहां तक आपने ऐसा किया ना तो सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होती है, तो फीलिंग्स हर्ट होने का पैसा वो आपसे लेगा,
फीलिंग्स हर्ट होने का पैसा एग्जैक्टली फीलिंग नहीं, इसी को मानहानि बोलते हैं। जो आप टीवी पर सुनते हो ना कि मैं मानहानि का दावा करूंगा तुम्हारे ऊपर, यही है ठीक है। रेप्यूटेशनल डैमेज जो आपने किया, आपके पास पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट यू डोंट हैव फ्रीडम टू स्पीक शिट, वो आप नहीं कर सकते। कि आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके ना कुछ भी उल्टा सीधा किसी के बारे में नहीं बोल सकते। अदर पर्सन कैन लिटरली सू यू फॉर दैट, यही विंडिक्टिव है, यही तो सारा मेरे ऊपर करने का नोटिस भेजा, वो तो मैंने फिर वीडियो हटा दिया। अब देखो, पर मैं चाहता मैं लड़ सकता, क्योंकि मैंने जो भी चीजें बोली कोई झूठ नहीं था, जो मीडिया कर रही थी भाई मैंने बोला था, मैंने एक तो वर्ड ऐसा बोल दिया था बीच में ठीक है, कि मैंने बोला कि ये चोर कंपनी है, तो मैंने दो तीन वर्ड ऐसे बोल दिए थे, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे फैक्ट्स गलत नहीं थे। अगर मैं लीगैलिटी में घुसता ना तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि आपने जो क्लेम किए हैं वो झूठ है, तो मैं बोल देता सर ये तो सीएनएन आईबीएन से उठाया, उनको पकड़ जाते, छोटे आदमी को पकड़ रहे हो, बड़ी कंपनी आपके लिए बैठी हुई है, उनको केस करो, उनको कर नहीं सकते, तो मीडिया है, मीडिया हैज लिटरली फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया इज द ओनली थिंग दैट कैन स्पीक शिट एंड ऐड अ क्वेश्चन मार्क टू इट एज इफ समवन एल्स, ठीक है, क्या ये आदमी चोर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क बहुत ही छोटा, देखिएगा क्या रतन टाटा बैंकरप्ट होंगे, होंगे के बाद क्वेश्चन मार्क है नेक्स्ट पेज, और क्या बहुत छोटा सा, ठीक है, अभी ये टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ निकला था, ठीक है, उसके नीचे लिखता है ओवर प्राइसिंग ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ इज वैलिड क्वेश्चन मार्क, मतलब जबरदस्ती उसके दिमाग में डाल रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है, क्या आप सोचो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा सर यहाँ पर सब लोग जान जाओ, आओ, एक दो इधर उधर है, एक दूसरे के कंधे में धीरे धीरे लेटने जा रहे थे, ठीक है, मैंने देख लिया, नाम नहीं लूंगा, सब लोग जान जाए, बहुत हेवी पॉइंट आने वाला है, सुनना, अगर किसी का चेक डिसऑनर किया गया है, ठीक है, जब बैंक में इनफ बैलेंस है तो वो भी विंडिक्टिव ना आता है। इसमें पॉइंट देखो मैंने अलग से, जो आदमी ट्रेडिंग के बिजनेस में है, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, खरीद के बेचना, हाँ, अगर उसमें उसका चेक डिसऑनर हुआ है, ठीक है, तो विंडिक्टिव डैमेजेस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सोचो यार धंधे में अगर ये बात बाहर निकल के आ गई कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरी इज्जत हाँ होती है कि नहीं होती है, लेकिन साफ साफ बुक बोलता है कि नॉन ट्रेडर के केस में ये एप्लीकेबल नहीं। तो जिस दिन आईसीआई का दिमाग खराब हुआ ना, वो सीधा एक केस बनाएगा जिसमें वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई रखेगा सीए फॉर्म और बोलेगा देयर इज अ सीए फॉर्म हुज चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, ठीक है, Is the person eligible for damages under the Indian Contract Act? The answer is no. ये ट्रेडर नहीं होता, वो सर्विस प्रोवाइडर, डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर भी नहीं आएंगे, सिर्फ वो आदमी आएगा जो कुछ बेचता, इसलिए देखो मैंने लिखा है हाईलाइट करके उसको, बट अ नॉन ट्रेडर cannot get heavy damages unless loss sustained. बाकी सबको लॉस होना जरूरी नहीं है, सर्विस वालों को नुकसान होता तभी मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट दे लो, बोल भाई, नॉन ट्रेडिंग नहीं, जिसमें आप लेके बेचने का काम नहीं कर, मैन्युफैक्चरिंग इज कवर्ड, सर्विस इज कवर्ड, बाकी सब में होलसेल रिटेल ट्रेडिंग, देख सीए का जो चेक बाउंस होता है ना उस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जेल होगी पक्का से, तीन बार अगर चेक बाउंस होता है ना उसके बाद आपको जेल होती है, वो होती है, पैसे होते भी, क्योंकि वो बैंक की गलती है, देखो बैंक की गलती है ठीक है मैं माना, लेकिन वारंट तो आपके नाम पर इश्यू हो चुका है ना, तो भैया जाना पड़ेगा एक बार अंदर से विजिट करके आना पड़ेगा, वो लॉयर निकाल लेगा, कोई बात नहीं, कर अच्छा लॉयर हायर करेंगे ना तो कदम भी नहीं रखने देगा, पहले पहले का ऑर्डर निकल के, ठीक है, जैसे हम लोग का जो फैमिली लॉयर है वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर हमारे बट अगर कभी ऐसा कोई निकलेगा भी ना तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोग इससे पहले जाए वो वहां से बेलमेंट लेगा, बेल लेगा, ठीक है, और ये कोई नहीं, मेरा खुद का स्टूडेंट है, अभी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, दो स्टूडेंट है हमारे जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं,
एक मेल एक फीमेल दोनों, एक कॉर्पोरेट लॉयर वो भी सीएस करके कॉर्पोरेट लॉ करती है। पर देखो सीएस करके कॉर्पोरेट लॉयर बनने का फायदा ये है, बड़ी कंपनियों के साथ काम करती है, वो कर रही है प्राइवेट प्रैक्टिस भी और साथ में काम कर रही है ईएनवाई के साथ एमएनसी में। उसको अनअकैडमी की तरफ से भी ऑफर आया था लीगल टीम हमको दिखाई हमारा मत छोड़िए फिर क्लास को सॉर्टेड करने लगेगी हमारा, आपको तो पता ही है फिर क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। ये चीज है बट आप जो जो लिखा है ना वो अपने को मानना है, ठीक है। क्या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू हैव सस्टेन्ड। चलो नेक्स्ट, नॉमिनल डैमेजेस नॉर्मली रिकवर नहीं होते। नॉमिनल डैमेजेस का एग्जांपल जो आपको यहां से घर आने के लिए भाड़ा लगा है, देखो सर ये मैराथन अभी भी फ्री है, अब आप इसमें ये नहीं छोड़ सकते कि सर हम 200 रुपया खर्चा करके यहाँ तक आए हैं ऑटो करके, ये नहीं आएगा। कुछ लोग यहाँ पर देखो भैया होटल में भी रह रहे हैं, ठीक है, जो दूसरी सिटी से आए हैं, आज कोई दूसरी सिटी वाला है भाई? देखो अब तो फिर ये लोग गिनाने लगेंगे आपको मैराथन पूरा 2000 रुपए का पड़ा, भाई हमने फ्री ही दिया है, आपका जो पड़ा है वो नॉमिनल डैमेज है, ठीक है, हमको भी बहुत महंगा पड़ा, क्या कर सकते हैं। ये जो ज़ेरॉक्स 5x पेज तक किए हो 330 कॉपी इनटू करो तो थोड़ा 6000 तो लग जाएगा, 6000 लग जाएगा इसको तुम्हारे ज़ेरॉक्स में, उससे क्या क्या हो सकता था। हाँ क्या, हाँ हाँ, अरे हमको तो अभी जो बच्चे बाहर से आए अभी तो आप खाना वाना स्विगी जोमेटो से ही मंगा रहे होंगे, इसलिए कर रहे होंगे। मान लो सर आपने स्विगी या जोमेटो से खाना मंगाया और खाना जब आपके पास आया उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, कौन लायबल होगा उसके लिए? जोमैटो, आपकी जोमैटो दीदी, जोमैटो स्विगी, अरे कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम लोग पीछे दीदी, अरे दीदी कुछ तो बोलिए, कोई तो कंट्रीब्यूशन करिए, हाँ या ना बोल दीजिए, चलिए हाँ या ना तो बोलिए, ना बोल दी, चलो ठीक है पीछे हिलो, हाँ मेट्रो जोमैटो बगल जोमैटो जोमैटो आप देखो सब जोमैटो बोल देगा मैम आप, हाँ जोमैटो भाई कॉमन सेंस है। और ये बात सोभा में भी लिखी है और कॉन्ट्रैक्ट में भी कि अगर ट्रांजिट के दौरान गुड्स को कोई भी डिटोरियरेशन हुआ अंटिल अनलेस देयर इज समथिंग अदर स्पेसिफाइड, देखो लिखा है द कैरियर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर ई कार्ट वाला फोन लेके आया, डब्बा मेरे सामने खोला, मैंने आईफोन निकाला, पूरी स्क्रीन टूटी हुई है, ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है याद रखना इसको, इसीलिए इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ। सर देखो सर इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में कुछ कुछ फर्क है, इंग्लिश लॉ जो है ना वो डैमेजेस और पेनल्टी में डिफरेंस क्रिएट करता, हमारा इंडियन लॉ नहीं करता, क्योंकि हमारे इंडियन लॉ को पता है ना कि हमारे लोग मूर्ख हैं बहुत तेजी से। अभी किसी ने बोला था ना लास्ट दिन कोई बता रहा था कि सर मान लीजिए एक आदमी इलिटरेट है, तुम्ही तो बोल रहा था सर, और उसने बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े साइन कर दिया, तो हमारे लॉ इस हिसाब से बनाया गया कि हमारे लोग मूर्ख हैं, वो गधे हैं, इसी हिसाब से बनाया हमारा। तो क्या बोलता है देखो हमारा लॉ की बोलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ा, उसमें आपसे कुछ रिकवरी मांग रहा है सामने वाला, आप हमारे पास आप कोर्ट में, ठीक है, हम आपको 2-2.5 साल रुकाएंगे, उसके बाद जिस दिन आपका केस एडमिट हो आप हम डिसाइड करें कि जितना इसमें दिया जा रहा है वो रीजनेबल है कि नहीं, अगर रीजनेबल है तो उसको डैमेजेस डालोगे, और अगर अनरीजनेबल है
तो वो पेनल्टी हो जाएगा, और अगर पेनल्टी है तो हम चार्ज करने देंगे ही नहीं। कोर्ट आपके ऊपर पेनल्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में लगने नहीं देगा अगर वो पेनल्टी अनरीजनेबल है। सबसे बढ़िया बात हमारे एक्ट के बारे में क्या है कि अगर कोई लॉ में भी पेनल्टी लिखा है ना, लेकिन अगर कोर्ट डिसाइड कर दे वो अनरीजनेबल है तो आप बच्चे। वेरी गुड एग्जाम्पल, बैंगलोर में जब नया वाला मोटर व्हीकल एक्ट आया था तो एक आदमी की स्कूटी पेप पकड़ी गई थी, पिंक वाली नहीं होती थी जो लड़की लोग चलाते पैर नीचे रखते, स्कूटी पेप पेप प्लस, ठीक है। तो जब उस पर पूरा चलान काटा जो जो चीज ऑफेंस थे उसमें 72,000 रुपीज का चलान था, वो आदमी बोला 20,000 की तो स्कूटी है मैं दूंगा ही नहीं। ये मैटर लिटरली हाई कोर्ट में गया था कर्नाटक के, उन्होंने क्या ओपिनियन दिया बता, उन्होंने बोला देखो सर 20,000 की स्कूटी पर 72,000 का डैमेज, ठीक है, इज हाईली अनरीजनेबल, ठीक है। 5,000 रुपए का डैमेज उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया और उसी को लिख लिया, मतलब डिसीजन किसका है, कोर्ट एकदम सीधा सीधा डिसीजन किसका होगा, कोर्ट। इंग्लिश लॉ हुआ, इंडियन लॉ हुआ, आइए नेक्स्ट। अच्छा फिर आया सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन करता है, एक सेकंड नीचे था क्या, अरे नीचे। अच्छा लेकिन सर बॉक्स वाली चीज पढ़ो तो एक बार, केजरीवाल अंकल ने बोला मेरे को कि आप एक ब्रिज बना दिल्ली में, इतनी बड़ी ब्रिज की पूरा दिल्ली कवर हो जाए और उसमें पानी भी ना भरे। मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने पैसा ले लिया इसके लिए एडवांस और फिर मैंने नहीं बनाया, ठीक है। आपको मेरे ऊपर पेनल्टी चार्ज, क्या मैं कोर्ट के पास जाके अनरीजनेबल प्रूव करा सकता हूं, नहीं, सरकार ने अपने आप को एग्जेम्प्ट करा, सरकार ने बोला अगर पेनल्टी हम लगा रहे हैं और आपने कोई ऐसा काम किया जो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हमारे पास, provided it is an is a contract where you have entered into a contract with the government, सरकार के साथ होना चाहिए, ठीक है। पेनल्टी यार तभी तो एक्सेप्शन है, तभी तो एक्सेप्शन है। अच्छा सर आप और कौन सा केस करेंगे उसके ऊपर, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। नेक्स्ट क्वांटम मेरिट, सर व्हाट इज क्वांटम मेरिट, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 5 फ्लोर बनाया, 5 का पैसा दे दो मेरे को, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो आदमी केस कर रहा है उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया होना चाहिए, काम एक्चुअली में हुआ होना चाहिए, काम करने वाले ने बताया होना चाहिए कि ये मैं फ्री में नहीं करता, और काम लॉफुल होना चाहिए वरना एक रुपया नहीं मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गया होना चाहिए, मतलब सामने वाले ने बोल दिया होना चाहिए नहीं कर, मतलब सर मैं बीच में छोड़ के नहीं जा सकता और उसके लिए पैसा नहीं मांग सकता, मतलब मैंने 10 की 5 फ्लोर बनाया, मैं बोल रहा हूँ सर देखो मैं और नहीं बना पाऊंगा, मेरे को 5 का पैसा वो मना कर सकता और तब आप क्वांटम मेरिट नहीं कर सकते। कैंसलिंग पार्टी शुड बी समवन एल्स, तुम दुखी होने चाहिए भाई तब तुमको मिलेगा क्वांटम मेरिट, तुमको दुखी कर नहीं रहा होना चाहिए आदमी, तुम हो एग्जैक्टली। अच्छा देखो सारे पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पर, अच्छा एक और चीज है, एक बार मैं बोलता हूँ क्वांटम मेरिट पाने के लिए आपको सबसे पहले जो पार्टी कैंसिल कर रहा है दूसरा पार्टी होना चाहिए, ठीक है। आप उसमें नुकसान हो रहा होना चाहिए आपका, आपने काम किया होना चाहिए जिसको आपने इन्फॉर्म किया होना चाहिए मैं फ्री में नहीं करता, आई एम नॉट डूइंग इट ग्रेचुटसली, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फ्री, और भैया पांचवा वो काम में ना वो डिडक्शन भी कर सकता है फॉर बैड वर्क, बैड वर्क मतलब तुमने 5 फ्लोर बनाए लेकिन एक फ्लोर में ठीक से पुट्टी नहीं हुई है, अरे टाइमर जो जिसे लड़की लोग चेहरे पर लगाती है ना, सेम ही प्रोडक्ट तो होता है, ठीक है। तो इसे जो प्राइमर है लड़की लोग चेहरे पे लगाती है वो लोग दीवार पे लगाते हैं, ठीक है।
लड़के कुछ नहीं लगाते थे दी, ये सब लड़के ऐसे खूबसूरत होते हैं। हम लोग ठीक से दो बार मुंह धो लेना तो हमसे ज्यादा अच्छा कोई लगता नहीं है। ये सब स्किन केयर इन केयर सब तुम ही लोग करते हो, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती। चलो क्या क्या चल कर रहे हैं, सब फालतू चीज नहीं यूज करते हम है। चुरा छुट्टी डिडक्शन फॉर बैड वर्क, सर बोलिए डिडक्शन फॉर बैड वर्क, अगर कुछ खराब बनाया ना तो उसका पैसा मैं काट के दूंगा पूरा नहीं। सर ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेम एज सोगा है, लिख लो बगल में, वही मैं बोलूंगा। कभी कभी ना मैं मांगूंगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म चाहिए, मेरे को डैमेज नहीं चाहिए, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दो, देना ना देना किसका डिसीजन। वेरी गुड। लास्ट इंजंक्शन, इंजेक्शन नहीं है इंजंक्शन। सर व्हाट इज इंजंक्शन, किसी को काम करने से रोकना, कहां पड़े पहले कंपनीज एक्ट में ना इंट्राविनस में इंजंक्शन वहीं से आता है। अच्छा उसके बाद लास्ट में बोलता है यह एक यूनिक केस लिखा हुआ है, पार्टी राइटफुली रिसाइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। देखो अभी तक आप ऊपर से पढ़ते हुए क्या है, जिसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है उसको मिलता है, ठीक है। अब तुम मान लो क्या है, एक मैरिज में हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ बहुत दुर्व्यवहार है, ठीक है, मारना पीटना सब कुछ चल रहा है, फिजिकल वायलेंस वायलेंस सब चल रहा है। अब उसमें जब बीवी मैरिज के लिए डिवोर्स फाइल कर रही है तो शी इज द वन कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ना। अगर ये ना होता यूनिक केस तो क्या उसको एल्मनी मिलती, वो जो एलमनी दी जाती है ना वो इसी के तहत दी कि अगर राइटफुल टर्म्स में आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर रहे हो ना इट इज वैलिड और आपका ही डैमेज का क्लेम बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपने किया है, भले आपने किया हो बट आपका राइटफुल है, ठीक है, सही काम किया। कैसे हो कैसे भाई, वो तो लॉजिक से क्वांटम मेरिट में तो तुम अपने किए हुए चीज का पैसा मांग रहे हो, और तुम क्वांटम मेरिट जैसा कैसे हुआ, क्वांटम मेरिट में दूसरा पार्टी कैंसिल करो तुमको डैमेज, यहां पर तुम ही कैंसिल करो तुमको ये डैमेज मिले। इट इज लाइक पुलिस वाले ने मेरे को रोका, ठीक है, बोले तो बोला गाड़ी से उतरना, मैंने बोला मेरे को बोला लाइसेंस दे रहे, मैंने दूर से दिखाया, बोलता हाथ में दोबारा नहीं दूंगा। नाउ आई एम डिनाइंग इट, ठीक है, बट एज पर लॉ आई एम राइटफुल, आई विल बी कॉम्पेंसेटेड, ठीक है, एकदम सेम ऐसा यूनिट। इस यूनिट से कभी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दो तीन अटेम्प्ट बाद आईसीआई अचानक और बोलता है ये वाला क्वेश्चन अच्छा, और इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हाट इज अ क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वॉसी। और भाई सबसे बुरी बात जो चीज कभी कभी आए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं कभी कभी आए, बट ये जब कभी कभी आता है तो इतने नंबर के लिए आता है कि ये फिर दुखी करके चला, गलती से ये कभी टू के ए में आ जाता जहां ये सात नंबर का क्वेश्चन हो, तो वो वाला बच्चे ना अक्सर वो अटेम्प्ट लग जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बात क्या है, बच्चा ना घर से सोच के जाता है कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा वाला क्वेश्चन तो नहीं करेगा, ये चीज मत करना क्योंकि इससे एक प्रॉब्लम होती है, बताए आपका एलएलपी पढ़ना वेस्ट हो, यू नो दिस राइट, क्वेश्चन टू ए, क्वेश्चन टू ए इज कॉन्ट्रैक्ट 7 मार्क्स, क्वेश्चन टू बी इज एलएलपी, मैं अभी पेपर का पूरा फॉर्मेट दिखा दूंगा एंड में पूरा का पूरा उसी का है और सही नंबर का है, ठीक है, वैसे ही होगा, वैसे ही होगा आगे भी। क्वेश्चन तो आदमी बता दे रहा है आपको, क्वेश्चन बता दिया, आंसर लिखा, पढ़ने का टाइम बाकी है, जितना इसके बाद तो मेरे को बस एक पेपर दे दो, मैं एक एग्जाम लिखूं सबको पास कर दूं, बाकी उसे मेहनत करा के फायदे किए है ना, करवा दो। अरे शर्म कर लो थोड़ा, भगवान देख रहा है ऊपर, इसी के बाहर यमराज बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ सर, कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट,
कंटिजेंट मीन्स एक्सैक्टली समथिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो किसी चीज के होने या ना होने पर डिपेंड करता है, कंटिजेंट पॉइंट। ठीक है, पर एक बात याद रखना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अलग है, इवेंट कंटिजेंट है। क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रैक्ट अलग है, इवेंट कंटिजेंट है। ठीक है, जैसे सर बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फायर इंश्योरेंस, मतलब समझते हैं फायर इंश्योरेंस का, आग लगना। आप लोगों को अभी कोई आप में से पक्का ये बात बोलेगा कि सर वो जो इंश्योरेंस होता है वो तो कंटिजेंट नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस कंटिजेंट नहीं, जो फायर इंश्योरेंस वगैरह होता है ना वो कंटिजेंट ही होता है। समझाता हूँ क्या होता है फायर इंश्योरेंस। आप प्रीमियम पेमेंट करते हो अगर आग लग गई, ठीक है, तो जो भी खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, यही होता है कि कुछ और होता है, यही होता है। तो आग लगना बहुत ही छोटा सा मैटर, दैट इज द, आई एम यूजिंग दैट वर्ड, इट इज अ कोलैटरल इवेंट। व्हाट इवेंट? कोलैटरल, कोलैटरल मींस रिलेटेड, दैट इज द कोलैटरल इवेंट और द रिलेटेड इवेंट। ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है पूरा कॉन्ट्रैक्ट। पूरा कॉन्ट्रैक्ट ये थोड़ी ना है कि आग लगेगी कि नहीं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट है कंपनसेशन। ठीक है, तो कंटिजेंट में बस ये याद रखना है छोटा सा हिस्सा होता है क्या उसकी परफॉर्मेंस। जैसे यहाँ कितने लोग सीए के बाद का कोई बैकअप भी सोच के रखे हैं, ये नहीं हुआ तो कुछ और, बोलो क्या बैकअप, क्या सर्वोत्तम गाड़ी, तुम क्या बोलो बिजनेस उधर पीछे क्या दहेज, वेरी गुड, उधर बीकॉम बेटा वो कौन से ईयर में होगी, फर्स्ट, आज ही छोड़ दो करके कोई फायदा नहीं है, एमबीए वेरी गुड, उधर पीछे अच्छा, इसमें कोई ये नहीं बोला बी कॉम ऑनर्स, ठीक है, ये जो आप सिलेक्ट करके बैठे होगी ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, इसमें आपका सीए होना सीए ना होने पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो सीए का एग्जाम वो कोलैटरल इवेंट है, ठीक है, जिसके होने या ना होने पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो हम लोग सीए वाले को ही लेके आगे बढ़ेंगे और वहीं से सारे कंटिजेंट की डेफिनेशन देख लो, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम, देखो अंडरलाइन, देखो वो रेड वाले पॉइंट को जिसको अंडरलाइन किया उसको देखो, वही तुम्हारे एग्जाम की डेफिनेशन में होना चाहिए। एग्जाम में पता क्या लिखता है, दीदी आ रही, दीदी को देखने की जगह अपनी नोटिंग में अंडरलाइन कर लो, सबका फोकस है दीदी आ रही, कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अब रूल्स रिलेटेड पर आते हैं, यहां से चीजें इंटरेस्टिंग। सबसे पहला, जिसकी एनफोर्समेंट डिपेंडेंट है अपॉन इवेंट हैपनिंग, पिताजी ने बोला है सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया तो नया फोन दिला देंगे, पुराने फोन में क्लास, या सीए फाउंडेशन क्लियर किया पक्का लैपटॉप दिला देंगे क्लास देखने के लिए, फाउंडेशन पास हुए सीए नहीं बन गया, मैकबुक चलाने आता नहीं, पता है मैकबुक पर किस तरह स्क्रोल होता है ऊपर की नीचे, शुक्र मना ये रिकॉर्ड हो रहा भाई, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, अब यहाँ पर किसी ने ऐसी कोई डील करके रखी है घर में, ये हुआ तो ये हुआ तो नहीं, अभी कर लो रिजल्ट के पहले, ठीक है, रिजल्ट के पहले ही कर लो, उसके बाद वो भी पॉसिबल, ठीक है, तो मान लीजिए आपने ऐसी डील की, लेट्स से, ठीक है, अब सर मेरे को बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे होता है, एक इवेंट, इवेंट क्या है आपका सीए पास हो गया, लैपटॉप मिलना इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंडेंट है, तो ये वॉइड कैसे हो सकता है,
अगर जनवरी में रिजल्ट निकले और उसमें फेल लिखा हो FAIL तो क्या ये पॉसिबल, तो अब क्या कंटिजेंट परफॉर्म होगा? तो पिताजी जो फोन दिए हैं ना वो भी मिलेंगे, अब तुम नंगे पैर कॉलेज जाओगे, ठीक है, झुमका भी नहीं मिलाएंगे यार इसके। अब देखो पलट कैसे देगा, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, सीए नहीं हुआ तो एमबीए करेंगे, नॉट हैपनिंग पर डिपेंडेंट है, वॉइड कैसे हो सकता? पॉजिटिव एग्जांपल्स भी है हमारे पास, अगर सीए हो गया, अरे हो जा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, विश्वास रखो खुद पे, बिल्कुल होगा, ठीक है। देखो या तो अभी होगा या थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा, ठीक है। गेम सिर्फ पेशेंस का है, सिर्फ पेशेंस का है, और यहां पर सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, और कितने दिन तक बर्दाश्त कर, क्योंकि फटेगी तो एक दिन, मैं बता रहा हूँ होगा, कोई कोई दिन ऐसा होगा पास तो चलो मान लो सब कुछ होगा, ऐसे हम लोग सब कुछ एक ही बार में पास, फिर भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी भाई कोर्स, इट मेक्स यू अ मैन, ठीक है। ऐसा ऐसा एक दिन होगा ना कि ऑफिस में मन करेगा बॉस का मुंह फोड़, लेकिन फिर भी वो खून का घूंट पी के काम करना, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर अ बिगर फ्यूचर। दिस थिंग नाम के आगे वो दो अल्फाबेट ऐड हो गए, उस दिन सिर्फ जिंदगी ग्लैमरस नहीं होगी, नाम ग्लैमरस हो, नाम की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, तो उस दिन सक्सेसफुल नहीं बनते जिस दिन तुम्हारा बैंक बैलेंस पर पैसा हो, हम मानते हैं तुम सक्सेसफुल उस दिन बनते हो जिस दिन लोग तुमको, ठीक है, तुमको गूगल पे सर्च करना चाहिए, तो उस दिन सक्सेसफुल, तो उसके लिए ना थोड़ा मेहनत कर। और ये तो अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम इतनी बड़ी आबादी में 3,15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अलाइव, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अलाइव, और इनमें से कुछ लोग तो अपनी डिग्री यूज भी नहीं कर रहे, आप समझ रहे हो शॉर्टेज कितना है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, लेट मी टेल यू, इंडिया रिक्वायर्स 6,60,000 फाइनेंस प्रोफेशनल्स एवरी ईयर, and institute supplies only 15,000 as the final quality ek attempt mein, to do attempt mila ke 30,000, to ye jo beech ka kya hai na, ye hai growth in package value, jo consistently aapke packages din par din badhte chale ja rahe hai na, ye growth in package value, aapki market value aise hai। बट उसके लिए पहले थोड़ा क्या कितनी होनी चाहिए, फिर क्या लगता है कितनी होनी चाहिए, जब तुम बोलो, देखो बात क्या है, तुमको क्या लगता है वो डिपेंडेंट करता है, ठीक है, तुमको क्या लगता है, तुमको अगर मेरा रहन सहन सब चीज देख के तुमको जो लगता है वो मैटर करता है, मेरे पास जो है वो तो छोड़, ठीक है, बट बात ये तुमको क्या लगता है, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, आज मेरे नाम के नाम अगर सिर्फ इतना होता ना तो भी नाम तो माँ बाप का दिया ही हुआ होता, लेकिन ग्लैमर इसलिए होता, ग्लैमर नाम में तब आता है ना जब नाम में नाम नहीं खेला, मैं तो इसको कंसिडर भी नहीं करता भाई, नहीं करता, नॉट नॉट इन द सेंस एज अ consider it in the sense that if I have added this to my name, it already adds a lot. ये साथ में आके ना इसकी शोभा और बढ़ा देता है। पर क्या है ना, जब मैं CA के बाद CS बोलता हूँ, दो चार लोग मेरे को ये पूछते हैं, तो फिर CS क्यों किया? अब मेरा मन था, मेरे पिता ने पैसे दिए, मैंने कर लिया, इतना पूछ के कर दूंगा। तो बस ये चीज याद रखो, वो दो अल्फाबेट बहुत मेहनत से मिले, दो अल्फाबेट के लिए 4 साल घिसाने पड़े, that's given thing, लेकिन पैसे कम लग रहे हैं, ये देख लो पैसे बड़े कम लग रहे हैं, तुम लोग अपना पूरा एक्सपेंडिचर भी कैलकुलेट कर लो, जितना तुम पूरे 3 साल के कोर्स में दोगे पूरा कर लो, हाईएस्ट पॉइंट पे भी कर लो, तो भी 5 लाख तक सीट नहीं करेगा, ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग 5 लाख नहीं सीट, जो एमबीए एमबीए पीछे से बोल रहे थे ना,
9 लाख रुपया पहले सेमेस्टर की फीस है। लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, लवली, ठीक है। और हम आईएमएस में तो बोल भी नहीं रहे, क्योंकि हमने अपने टाइम पर चेक किया था, उसी समय समझ गए थे दिस इज नॉट पेड फॉर मी। हमारे टाइम में तो 11.5 लाख रुपया थी, 24 लाख नहीं है। अभी भी हम सोचते हैं, अभी समझ में नहीं आता कि इतना पैसा नहीं है, बोलो छोटो है ना। चलो और सर, ये हैप्टिंग वाला नॉट हैप्टिंग वाला क्लियर है? आपको एग्जाम्पल लिखो हाथ से, सीए नहीं तो एमबीए, सीए नहीं तो एमबीए। अच्छा सर, वॉइड कैसे होगा? वॉइड कैसे होगा? अगर सीए हो गया तो देखो लिखा है, इफ द इवेंट ऑकर्स देन द अग्रीमेंट इज वॉइड, तो हो जाएगा सीए, तो एमबीए करने की जरूरत नहीं, एक ही डिग्री ले लो बहुत है। कोई मनी मन बोल रहा अपना तो चार लेके बैठा, आइए सर। कंटिंजेंट डिपेंडेंट अपॉन, हमसे कुछ ना मालूम सीएफए एसीसीए भी इतना जोर से बोली यही कस्टमर है, तो ठीक है दूसरा और बाकी दो बगल वाली को पूछ सीएफए एंड एसीसी। कंटिंजेंट डिपेंडेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, सर इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में, ऐसा कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो एक लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर डिपेंड है। और हम लोग कुछ और एग्जाम्पल, इंडिया ने वर्ल्ड कप हार लिया, ठीक है, अगर उनको संतुष्टि दिला रहे हैं, हमने शुरू किया तो कुछ होता लाएंगे ना। उसके बाद मिचेल मार्श को बुलाया स्टेज पर, ठीक है, ट्रॉफी देने के लिए, जैसे वो सीढ़ी चढ़ रहा था उसको आगे, ठीक है, तो अब कैप्टन तो है नहीं, हाँ कैप्टन तो है नहीं इसको पकड़ने के लिए, तो उन्होंने बस ये बोल दिया ट्रॉफी विल बी गिवन टू द ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन कैप्टन को नहीं दिया। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंडेंट था एक आदमी की जिंदगी पर, क्योंकि वो आदमी आया ही नहीं तो वो कंटिंजेंट कभी परफॉर्म ही नहीं हुआ, तो अगर आदमी ही मरता है तो वो वॉइड हो जाएगा। आपकी बुक का एग्जाम्पल क्या था बताए, एक लड़की है, अरे तो भाई जितना मैं नहीं देता तुम्हारी बुक, तुम अच्छा तुमको नहीं भरोसा तुम घर जाके चेक, ठीक है, एक लड़की, ठीक है, उसके पिताजी उसकी शादी पक्की करते हैं, ठीक है, नहीं नहीं वो तो दूसरी लड़की है, ए, 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 क्या तुम हीरो, जब पर्सनैलिटी तुम्हारा ही है ना हीरो जैसा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लड़की के पिताजी ने शादी पक्की कर दी। अब लड़की क्या की है, वो ऑलरेडी किसी और से शादी कर, ये आपके बुक का एग्जांपल, इनकी शादी उस लड़की के कंडक्ट पे डिपेंडेंट थी ना, अब उस लड़की ने उसका कंडक्ट इम्पॉसिबल कर दिया, तो इनकी शादी क्या हो गई, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, वॉइड, वॉइड। सर देखिए सर, यहाँ पर मैच हुआ है, 4+1 कितना होता है, 4+1 6 होता है, वेरी गुड, इसको लेके जाओ, नंबर 24 फिर की दवा फेंको, 5+2 कितना होता है, 7, कुछ नहीं करना प्लस। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस नोटिंग से समझाता हूँ, मैथ्स नहीं है, देखो पॉइंट है नंबर 4, ठीक है, जो एकदम 0.1 जैसा है, ठीक है, जो आपने आगे पढ़ा, सिर्फ डिफरेंस दोनों में ये है कि 0.4 बात कर रहा है स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, 0.4 बोल रहा है कि पापा बोल रहे हैं वो कि बेटा अगले 4 साल के अंदर अंदर सीए निकाल लो तो तुमको गाड़ी दिला, तो वहां पर पापा क्या बता रहे हैं, स्पेसिफाइड टाइम बता रहे हैं, तुमको इसको क्या के देख रहा है पापा, ये तब से हिलना था कि अभी हिलना था,
इसका कॉम्पेंसेशन मिलेगा फिर भाई पंद्रह पंद्रह भाई कागे होटल में आ गए पंखा बहुत काम रहा है इसको ठंडा लग रहा है भैया पंखा बंद कर दो इसको ठंडा लग रहा है अब भी पता वही चीज नोटिस किया कि पंखा के ऊपर बटन क्यों लगा हुआ सबसे ज्यादा हम भी वही अपनी नोटिस कर रहा ऊपर बटन बंद करेंगे और हाथ भी कट जाएगा कुछ तो मैकेनिक्स है भैया दिल्ली के लोगों का कुछ तो है अच्छा सर ये पंखे के ऊपर स्विच क्या चीज का लगा इसको ऑन करके देखिए जितने भी रिस्क लेने हैं अरे तो सभी बंद कर अरे सर सिर्फ एक ही बंद करना था सब नहीं अच्छा सब एक ही सब कनेक्टेड है तो एक तरफ तो जला दो इन बच्चों का परेशान कर रहे हो तो जैकेट वैकेट पहन के हैंडसम बन गया है एसी वाओ बस ये वाला चल तुम लोग करो कर लीजिए तुमको टीचर का जान ज्यादा जरूरी है कि पंखा ये क्वेश्चन पेपर डिलीट कर देंगे ना फॉर्म लाइन लड़कों को नहीं होता है लड़कियों के साथ तीन साल दिए पढ़ाई कर लो शादी करा देंगे लड़कों को बेसिकली क्या उसके बाद तो पिता की घर से निकाल देंगे ना उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता वो शादी वो डर से नहीं कराते पहले हम एक का बोझ उठा रहे दो का डर से नहीं कराते आज ठीक है तो सुनना सर अगर स्पेसिफाइड टाइम पर हुआ है तो वो वॉइड हो जाएगा कब अगर स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाया एक दो अटेम्प्ट लग गया या कोरोना की वजह से एक दो अटेम्प्ट कैंसिल हो गए कहा नेक्स्ट देखो सर नीचे में फिर मैथ्स की है सेम ही चीज है बस अब क्या है नॉट हैपनिंग है ठीक है अब देखो क्या चीज है ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ ठीक है अब नॉट हैपनिंग पर लेकिन नॉट हैपनिंग क्या स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ठीक है सेम एग्जांपल यूज कर लो पापा ने बोला दो दो दिए तुमको अपने पैरों पर खड़े हो जाओ कमाना शुरू कर दो अगर नहीं करता तो फिर दुकान में चुपचाप बनिया के घर में तो रेगुलर घर में तो ये नॉर्मल नहीं पढ़ पाते तो दुकान में ही बैठते तो अभी हम लोग पढ़ लिख के कुछ कर रहे हैं तो घर वालों को लगता नहीं है कि कोई काम है अभी भी कैसे उस दिन मामा जी थे तो मामा जी को बताया कि बेटा पढ़ाता है मम्मी ने ऐसे बताया बोलते उस सब से क्या होता पैसा कमाने के लिए क्या करता मेरी मम्मी बोली स्मगलिंग कर फालतू क्वेश्चन का फालतू जवाब स्मगलिंग एक्चुअली बात क्या ना दे डोंट रियलाइज दैट टीचिंग मेक्स अ लॉट ऑफ मनी एक्सेप्शनली एक्स अमाउंट ऑफ मनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दे वो दिखा चुके हैं जरा दिखा यहाँ पर YouTube में जा चलो जब स्पेसिफाइड टाइम में दिया होगा स्पेसिफाइड टाइम में नॉट हैपनिंग तो अगर मेरे को इसको वॉइड कराना है तो क्या कर दूं तो वॉइड हो जाएगा देखो नीचे लिखा है वॉइड इफ डज हैपन इन अ फिक्स्ड टाइम ठीक है इफ डज हैपन इन फिक्स्ड टाइम नेक्स्ट लास्ट वन
सर अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल इवेंट पर तो वो तो एवेंट भी वर्ल्ड ही रहेगा ना, सीआईडी में कैसे देखा नहीं मोर एक थप्पड़ मारता है सीधे वो मतलब कहीं पर थप्पड़ मारा सीधे प्योरो में जाके गिरता है तो अगर हम एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुर्दे को जिंदा करने का तो हो सकता है तो इट इज वाइट मैन इज सही देखो आया कौजी ठीक है फांसी नहीं है कौजी है अच्छा कौजी आएगा डिफाइन करते हुए तीन पॉइंट लिखना ठीक है अगर कौजी आया तो आई हैव अ फीलिंग लास्ट अटेम्प्ट है वो सिक्स का जो ए वाला क्वेश्चन होता है सिक्स का ए या टू का बी दोनों में से एक तो कौजी है मतलब देना चाहिए काफी समय हो गया इस यूनिट को इन्होंने छेड़ा नहीं है तो यू माइट बी द लकी वन ठीक है तो कौजी कॉन्ट्रैक्ट में तीन चीजें लिखनी है सबको मेरे साथ रिपीट करें कौजी रिजेंबल द कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच क्या मतलब पेड़ हो सकता है ये बोल रहे क्या ये तो फ्री है मेरे को तो इससे पैसे मिल ही रहे क्यों ले रहा तो कॉजी हो गया तो देखो सर ये अगर मेरे को पैसे लेने होते तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह रख लेता ना जैसे कुछ लोग करते हैं अगर मेरे को पैसे लेने होते तो मैं तो 99 199 399 कर ही सकता था क्योंकि इतनी जनता आ जाती पर मेरे को चाहिए नहीं ना मेरे को चाहिए नहीं जब हम लोग तीन लोगों ने मिलकर पूरा का पूरा पटना का इवेंट अपने पैसे पर कर दिया था बिना कंपनी के सपोर्ट पर तो हम लोग जो ले तो देने का भी जिगरा रखते हैं ऐसा नहीं है हम 99 रुपए लेके बड़े आदमी थोड़े ना बचे तुम रख लो 99 रुपए उससे तुम जियॉक्स कराओ और नोट लिखो और लिख के फाड़ दो जाए वो ज्यादा अच्छा यू नो व्हाट आई मीन आइए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट पहला वर्ड सब लोग साथ में बोलेंगे इट रिजेंबल्स द कॉन्ट्रैक्ट इट रिजेंबल्स द कॉन्ट्रैक्ट इट इज द एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय लॉ इट इज द एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी क्वेश्चन दिस इज हाउ यू स्टार्ट By saying तीन सेंटेंस में what is a quasi contract उसके बाद आप बाकी की कहानी शुरू करें हरा के बस ले दिए वो पूछा what are the rules related to quasi what are the different type of तो आप जब किसी के घर जाते हो पहले तो इंट्रोड्यूस करते हो ना अपने आप को बहन में जाके बस बहन में भूल गए ऐसे तो डॉग ही करता है तुम इंसान हो इतनी तो कल होनी चाहिए आजकल तो डॉग ही भी रुक जाते हैं बाहर कि भाई पहले मालिक बुलाए तो अंदर हस्की होगा तो वो नहीं रुकेगा वो किसी से नहीं रुकता हाँ गोल्डन रिट्रीवर नहीं पता भैया हस्की तो किसी के लिए नहीं रुकता मतलब वो सब थोड़ा मजबूत हो आदमी मजबूत चाहिए उसको लेके जाने हाँ हाँ यही तो काम करेंगे हम सोचते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के जॉब में जाएं हाँ सुनो भाई अब कुछ बोलेंगे अब तो ये तो डायरेक्ट हमला हो गया इसमें तो 300 रुपए ले लेना चाहिए हाँ वो तो तुरंत बोल लेंगे पेटीएम करवा मतलब 300 आदमी लोग के सामने ये इज्जत पे हमला हो ले
चलो सर पांच केसेस रेडी। चलो सर पांच ऐसे केसेस हैं जो कॉजी के एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर जब मैं चीजें बोल रहा हूँ तो मैं चीजों में कुछ चीजें आपको लिखा भी रहूंगा, तो प्लीज बी रेडी, ठीक है। जैसे सबसे पहले सर आई मीन अ क्लास आई जस्ट कॉल यू, ओके सचिन सर। तो सर सबसे पहले आता है नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ, माइनर के अलावा और भी लोग होते हैं, पागल आदमी सब कोई कवर होता है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर कवर्ड। एक सेकंड पूछो ये क्या हो गया इनको अचानक से। हेलो भाई कोई फोन उठा लेता है फिर कौन काटेगा, ये बैड मैनर्स। एक सेकंड, अरे फिर फोन कर रहे। यस सचिन सर, यस सर, नो सर आई एम डूइंग इट, आई गिव देम द ब्रेक एंड आई जस्ट स्टार्टेड अगेन, आई एम इन द मिडिल ऑफ द सेशन, आई पॉज्ड इट दैट आई कॉल्ड। ओके 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 सर, आ जाओ अभी आ रही आवाज। हाँ चलो आ जाओ। Necessary supply to a person incapable of contract, ये यहाँ पे minor भी आएगा, minor भी आएगा, unsound mind भी आएगा, आप में से बहुत लोग आ जाएंगे यहाँ पर, और drunkard भी आप लोग में से और भी काफी लोग आ जाएंगे इसमें, intoxicated इसमें तो भाई काफी जनता कवर हो जाएगी, इसीलिए दिल्ली में इतना pollution है। तो माइनर, अनसाउंड माइंड, ड्रंकेड या इंटॉक्सिकेटेड, ये किसी भी व्यक्ति को आपने अगर कोई नेसेसिटी सप्लाई की है, अब नेसेसिटी आईसीआई से तीन चीजों को गिनता है, एजुकेशन हेल्थ सॉरी एजुकेशन हेल्थ और फ्यूनरल सर्विसेज, कहीं टपक गया तो मर गया तो। लेकिन सर इसमें मैं आपको एक और पॉइंट लिखाना चाहता हूं जिस पर इस बार मेरे को लगता है ये आपको घसीटेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने इस पॉइंट पर कभी नहीं घसीटा। अगर आप सेक्शन को थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में, तो नेसेसिटी में वो इन्फेंट को भी इंक्लूड कर, इन्फेंट समझते हैं कौन होता, न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चे, उनको इन्फेंट बोलते हैं। इसमें जो केस स्टडी ये हो सकता है बनाए, उस पर केस स्टडी इनका क्या बन सकता है, एक मॉम है, ठीक है, उसका एक इन्फेंट है एंड शी इज वेरी पुअर एंड शी इज अनएबल टू प्रोवाइड हिम विद प्रॉपर नेसेसिटी and the child gets sick and is taken to a hospital, और जो hospital का bill है क्या recover किया जा सकता है या नहीं। अब बच्चा क्या मासूम है, बच्चा दिखता है minor, ठीक है, कि necessity से, but जैसे ही आप minor quote करेंगे ना वो आपके number का, क्योंकि उसको चाहिए infant, और ये infant वाला point आपके book में लिखा है, ठीक है, बस बात क्या आपने कभी इसको इज्जत नहीं दी थी। तो अभी इस पॉइंट के ऊपर ठीक से इज्जत दे देना, नेसेसरी के ऊपर हाईलाइट करके लिख लो इन्फेंट, तो नेक्स्ट टाइम आप ये नोटिंग जो कि आप ऑब्वियसली देखोगे वापस से एग्जाम के पहले भी, तो आपको ये इन्फेंट वाला याद आएगा कि सर ने इन्फेंट के बारे में क्या बोला, यहीं पे लिख लो दीदी सामने देखो कहां लिखा। ये दो दो लिख के बैठी फिर भी नहीं लिख पा रही, अच्छा एक तो उसका सेम्पलर भी तोड़ डालिए, दांत से चेप दो, दांत से कर करके दबा दो, पेपर कट जाए। नेक्स्ट, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है, क्या पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, क्रेडिट कार्ड कंपनी का मेरा बिल है, मेरे भाई ने पेमेंट कर दिया, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके भाई को वापस कंपेंसेट कर दूं,
ये मेरे को बहुत लोगों ने क्लास में पूछा है कि ये पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन है क्या। तो ये सिंपल सी बात, कोई आदमी तुम्हारी जिंदगी में इंटरेस्टेड तो तुम्हारे यहाँ पे पैसा पेमेंट कर दिया तो उसको वापस कर दो। दीदी रोज सुबह कॉलेज जाती है बेचारी, ठीक है। अब किसी दिन अगर दीदी के पास भाड़ा नहीं हुआ, ठीक है, तो दीदी का दोस्त दीदी का भाड़ा दे दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट दिन दीदी को वापस दे देना चाहिए ना उसको। बोलो। हाँ, अगर कोई आदमी जेल में है, कोई आदमी एलियन एनिमी है, ठीक है, कोई आदमी ये क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, कोई आदमी फॉरेन एम्बेसडर है, फॉरेन सॉवरन है, इंडिया के बाहर का आदमी है, ठीक है, वो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल। ये सब यूनिट थ्री में। हाँ, क्वासी में हो जाए, क्वासी में हो जाए, क्योंकि क्वासी क्या बोला, वहां वहां पर जो जो इनकेपेबल हुए, क्वासी ने बोला अगर उनकी तरफ आपने अच्छा व्यवहार किया है तो वो यहाँ पर इंक्लूड। इज इट क्लियर सर? ओ दीदी, छोटू दीदी, क्लियर? हाँ बताओ, कहाँ से आवाज आ रहा है? बोलना जोर से बोलो, मन की आवाज बाहर तक आनी चाहिए। दीदी बेचारी बहुत दुखी लग रही, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ खाना पीना में कमी है, कॉफी वॉफी मंगवाए? फिर पूछ रहे थे वो, हाँ बोलती, फिर हम ना बोल देते। इनविटेशन तो ऑफर था, रिजेक्ट हो गया। तुमको कुछ कॉफी वॉफी? अरे बोलो, अरे अपना कॉफी स्टारबक्स कुछ, चिकन रोल पर कुछ, क्या चलेगा, क्या चलेगा, क्या वो तो बताओ। चिकन रोल चलेगा, जाओ नीचे जाओगे। और एक काम करो, जरा 300 और पैक करवा लेना। हाँ नंबर दे देना, पेमेंट दे देना, नंबर दे देना, कोई दिक्कत दे भी देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। हमको तो तुमने क्रेडिट और डेबिट के लिए मना कर दिया। चलिए आईपैड तो तेरे पास भी है, आईफोन एक काम कर, इसका आईपैड, इसका आईपैड नीचे वाले रोल वाले को दे दे, वो 300 रोल तो इसमें आई जाएंगे। अरे देना आईपैड, क्या करेगा रख के, और आईपैड रख। चलो सर, पॉइंट नंबर 70 इधर, मतलब सेक्शन नंबर 70 क्या, सेक्शन नंबर 70 एक नॉन ग्रेजुएटस एक्ट, मतलब क्या पेड नहीं किया, नॉन ग्रेजुएटस पेड, ग्रेजुएटस इज फ्री। नीचे लिखा है आईनॉक्स की पार्किंग है, लिखा हुआ है 20 रुपीज पर आवर, ठीक है, तुम फिर भी जाते हो, ठीक है, तुम फिर भी जा रहे हो। अब उसके बाद क्या तुम 20 रुपए देने से मना कर सकते हो? करके दिखाओ एक बार, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? ये एक लॉफुल एक्टिविटी है, नॉट डन ग्रेचुटसली है, आपने फ्री में नहीं किया, उसने बोला ये फ्री नहीं है, और साथ ही साथ अदर पर्सन एंजॉय इट, तुमने अपनी गाड़ी रखी भी तो है पार्किंग, तो क्योंकि तुमने पेड सर्विस को एंजॉय किया है, तो अब तुमको उसका पैसा देना पड़ेगा। सफेद की चमकान देख रहा हूँ, हम जहाँ बैठे वहां से तो सब दिखता है। अब मान लो ये कहीं पर गिर गया, बोलो क्या लिखा है, कहाँ चला गया, मतलब तुम ये बोल रहे ना कॉन्ट्रैक्ट पे एंगेज कर गया, यही बोल रहे ना। जब उसको इलिटरेट पर्सन है, उसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती ना। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, ऑन द फेस ऑफ इट इज इट वैलिड, यस इट इज वैलिड, क्योंकि उसका सिग्नेचर। अब ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में उसके लॉयर को बस इतना प्रूव करना कि मेरा जो क्लाइंट है इसको पढ़ना नहीं आता और इससे इन्फ्लुएंस में ये साइन कर पाएगा, बस इतना प्रूफ। अगर वो ये प्रूफ कर दे, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज। हमारा इंडियन कोर्ट सिर्फ एक चीज पर चलता, मैं यहां बैठा हूं लेकिन अगर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है ना, और कोई मेरा दर्थ सर्टिफिकेट दिखा दे, कोर्ट की नजर में मैं मर चुका हूं। इट इज सिंपल एज दैट, दैट इज हाउ द लॉ इज ब्रो। अगर मैं
जिंदा यहाँ बैठा हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा डेथ सर्टिफिकेट निकाल दे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वापस जिंदा होना पड़ेगा। अच्छा वो जो पीछे सफेद वाला बैठा ना, वो जो कहा गया पीछे, वो दस्तक से जा रहा था खड़ा हो जाए पर अरे दाग तो देखे मैं, अरे बाप रे माइक टाइसन, बात तो पीछे कर, एक बात तो पीछे कर, चेहरा तो दिखे। हाँ खुश हो गया, खुश हो गया नहीं नहीं। अच्छा काम क्या तेरा पूरा बोल, अच्छा अब भाई हमारा दोस्त किशन, किशन का ना वॉलेट गिर गया, चेक कर, अब किशन का वॉलेट गिर गया, किशन का वॉलेट मिला किसको, उसके जो दूसरा दोस्त सफेदी में बैठा हुआ, तुम्हारा नाम क्या हीरो, क्या अर्जुन रेड्डी, ये तुम्हारा पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, तो इसको तुम्हारा वॉलेट मिला, इसको क्या करना चाहिए तुम्हारे वॉलेट के साथ, नहीं कर सकता ये काम, उसको क्या करना चाहिए, ये प्रोडक्ट तुमको वापस रिटर्न करना चाहिए, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर। लेकिन सर दो तीन बात, अगर आपने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया हुआ है तो क्या फाइंडर आपसे रिवॉर्ड ले सकता है, हाँ अगर आपने रिवॉर्ड नहीं डिक्लेयर किया हुआ है क्या फिर भी तब फाइंडर आपसे रिवॉर्ड ले सकता है, नहीं सर। लेकिन क्या फाइंडर आपसे डैमेजेस रिकवर कर सकता है आपको भेजने के लिए, वो कर सकता। अब आप तुम्हारा कुत्ता जगह जगह पोस्टर लगाया कि भैया किसी का लगा, किसी का ये हस ठीक हो गया है तो आके अपना कुत्ता ले जाओ, हर जगह तो भैया वो तो रिस्पॉन्सिबल है ना, इसके लिए करना जरूरी है डैमेजेस के लिए, तो वहां पर उसको वो मिले, ठीक है। लास्ट वाला बहुत ही स्टूपिड है, हम हमेशा बोलते हैं इससे स्टूपिड चीज मैंने आज तक ना पढ़ी है ना पढ़ाई है, कि अगर आपने क्वेश्चन के अंदर किसी से या मिस्टेक के अंदर कोई चीज से किसी से छीन ली है तो एक बार वो वॉइड डिक्लेयर हो जाए तो दया करके वापस कर, तो फिर चोरी क्यों की थी भाई इन द फर्स्ट प्लेस, ये है कि आपने पहले चोरी की फिर आपके अंदर की आत्मा जा, आपको लगा ये गलत है, पकड़े जाने के बाद पुलिस ने ऐसी जगह डंडे मारे ना बैठ पाए ना लेट पाए, तो आपको लगा ये सब वापस कर, आपसे छीन के वापस कर, ठीक है। देखो सर यूनिट भी खत्म कर दिया, ये देखो आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने थे ना, आपको आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले दो वाले कर लिए हम लोग ने, ठीक है। यूनिट फोर थ्री वाले जो है वो मैं अभी नहीं देख रहा, तो ये यूनिट थ्री है, ठीक है। कंसिडरेशन क्या आपने कर लिया ना, डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, अब सुनिए होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर आ रहे थे पार्टी करने थोड़ी ना आ रहे थे भाई, ये कल रिटर्न में होना चाहिए, मैं यहाँ पर क्लास में बैठा हूँ तो फर्स्ट पर्सन में चेक करूंगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में चेक करूंगा, आप जिस चीज का मोमेंट का वेट कर रहे थे ना कि क्या हमारे आंसर कोई चेक कर सकता है, मैं फर्स्ट पर्सन में बैठा हूँ, जितने लोग कल आएंगे सबके आंसर चेक करूंगा मैं यहाँ, और इसमें से जितने आंसर आप लिखेंगे आपके दस भी क्यों ना बच्चे उतने आंसर में चेक करूंगा, क्योंकि मेरी ठीक है ओके। और आप जो मेरे से पूछने वाले सर क्वेश्चन कब भेजोगे, देखो तुम्हारे सामने, ठीक है तुम्हारे सामने भाई, ग्रुप बस सही सिलेक्ट कर रहे हैं ये बता दियो, ठीक है गलत जगह ना पहुंच जाए, सिलेक्ट ऑल है जो हम दिखाएंगे ना, पूछ लेंगे नाम ही आईसीआई इंपॉर्टेंट। आज आप लोग वैसे भी इस मैराथन के बाद कितने लोग यहाँ पर जो घर वापस नहीं जा रहे कहीं और रुकेंगे, अच्छा जो लोग कहीं और रुकने वाले वो तो भैया साथ में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन अपने हाथ से लिखना जरूर भाई, फिर से सेम बात बोलूंगा, जब तक इंडिया लिखेगा नहीं तब तक इंडिया पास तो नहीं होगा, इतना पक्का है। ग्रुप का नाम क्या रखा है भाई तुमने, दिल वालों के शहर दिल्ली, और नाम नहीं है तुमने, और कमेंट डाल देते थोड़े से हो रहा है 20% हो गया, ये अभी आपको सेंड कर दिया जैसा किया था, लेकिन सर कल लिखा होना चाहिए, वरना फिर वही चीज होती, मैं लिख देता और फिर आप नहीं लिख पाते, क्योंकि मैं वाह क्या टाइमिंग है बॉस, परफेक्ट टाइमिंग जस्ट खत्म है, क्या लाया सर बर्गर, कॉफी 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 ना, ये किस लिए ले गया यार, अच्छा आपका तो फोन से मतलब था, नहीं
इतनी ठंडी है क्या बात? आप तो ऐसे ही घूम रहे हो टी-शर्ट में। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।